हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 जय प्रक्रम ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में नहीं पता है ना, वो बहुत घाटे में रहता है ना। तो हमें हमारे शरीर, एटलीस्ट जो हमारा खुद का अपना शरीर है, उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं, है ना। तो इसको बहुत एन्जॉय के साथ पढ़ना है। और ये जो बायोलॉजी का आपका चैप्टर है, इसमें बच्चों क्या है, देखो ये हिंदी की जो बुक है ना बेटा, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे दे रखे हैं है ना जो शुद्ध हिंदी है। तो मैं बीच बीच में आपको उनके इंग्लिश के जो शब्दा मीनिंग्स हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि सामान्य प्रचलन में जो है वो इंग्लिश के शब्द भी ज़्यादा होते हैं है ना, और आपको उन्हें समझना भी क्या रहेगा, आसान रहेगा है ना। तो हम इसको बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार अगर आपने एक एक लाइन इसकी पढ़ ली है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको प्रश्नोत्तर अलग से बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी है ना। तो हमारे जो शरीर है, मानव का खुद का शरीर है, उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। तो इसको हम जैव प्रक्रम है ना, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ PROCESS, लाइफ यानी जीवन, प्रोसेसेस यानी प्रक्रम, प्रक्रियाएं, प्रक्रिया होती है ना, उसी को प्रक्रम नाम दिया गया। अब देखो, अब इसे प्रक्रिया तो आपने सुना होगा लेकिन शायद प्रक्रम नहीं सुना, तो अब इसको समझ लो, आप ऐसे रिलेट कर लिया करो इन चीजों को। अब इसमें देखो बच्चों, चार जो चीजें हैं आपके इस चैप्टर के अंदर है ना। अब ये देखो, ईश्वर ने कितनी वंडरफुल मशीन बनाई है जो मानव का शरीर है ना। आपने देखी होगी जो, अगर बाय द वे आपने घड़ी देखी हो है ना, तो घड़ी के अंदर छोटे छोटे कितने सारे पुर्जे होते हैं, वैसी जो मैकेनिकल घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, मैकेनिकल घड़ी होती है ना, जिसमें वो अंदर एक पहिया सा घूमता था, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती हैं वो, उसमें कितने छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ऐसे ही कभी आपने मोटरसाइकिल मिस्त्री को देखा होगा रिपेयर करते हुए, तो उसमें कितने सारे छोटे 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 पार्ट होते हैं। तो वो तो बहुत कम संख्या में है, मानव शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ है, और इतनी वंडरफुल जो जो मशीन है ईश्वर ने हमें गिफ्ट में दी है, तो क्या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए है ना। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर हम चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, पोषण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोषण बोलते हैं। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्टेशन से पहले है रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है। और थर्ड है, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल देते हैं और उसको सर्कुलेशन भी बोल देते हैं। अब आपको देखो, आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, संवहन, वहन बोल दो इसको है ना। और चौथा तंत्र जो है, सिस्टम जो है, वो है उत्सर्जन है ना, और इसको इंग्लिश में हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, EXCRETION, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो बच्चों कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखो, कोई भी छोटी सी चीज है ना, जैसे आप साइकिल ले लो, साइकिल चलाते हो आप, तो आपको पैडल मारने पड़ते हैं है ना, और अगर आप 5 किलोमीटर साइकिल चला लो तो आपको थकान महसूस होने लग जाएगी ना, जो भी आपने खाया पिया वो ऐसा लगा पच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल चलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी, ऊर्जा की जरूरत पड़ी। ऐसे मोटरसाइकिल है, कार है ना, तो उनके लिए ऊर्जा किससे मिलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान आप उनमें बैठ के जा रहे हो या उस पर बैठ के जा रहे हो, तो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है ना, तो उससे ऊर्जा मिली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो शरीर है ये भी एक तरह से मशीन है ना, तो इस पे ये हमेशा दिन रात काम करती रहती है, कभी नहीं बैठती ये शांत। आपने देखा है, आप जब सो रहे होते हो तो भी आप सांस ले रहे होते हो है ना, आप कुछ मत करो, सोते रहो, सोते सोते भी आपको भूख लगेगी है ना। कारण क्या हुआ, क्योंकि सोते समय भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो है, प्रक्रम जो है, वो लगातार अनवरत रूप से चलते रहते हैं, जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण जो है, यानी किस प्रकार से हमारे शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं वो पूरी होती हैं,
ठीक है ना। फिर रेस्पिरेशन, श्वसन है ना, तो श्वसन को देखो सामान्य भाषा में बच्चे जो है ना ये समझते हैं कि सांस लेने को श्वसन बोलते हैं, जबकि इसमें सांस लेना उसका एक पार्ट है, सांस लेना प्लस है ना ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलना, वो भी इसी में शामिल है, ठीक है ना। फिर अब अच्छा देखो कितनी मजेदार चीज बताता हूं अभी आपको, ट्रांसपोर्टेशन है ना, यानी आप देखो कि हमारे कहीं भी शरीर में है ना, जैसे पैर के अंगूठे की जो वो है क्या नाम है नाखून है, वो भी अगर थोड़ा सा कट जाता तो खून निकल जाते हैं, यानी हर पूरे शरीर में हमारे में ब्लड क्या है वो दौड़ता रहता है, ठीक है ना। तो उस ब्लड को पूरे सिस्टम पूरे शरीर के अंदर है ना पंप करने का कार्य है ना, तो वो कार्य हृदय के द्वारा होता है, और जो अन्य जो नलियां हैं है ना अपन पढ़ेंगे उनको, ट्यूब्स जो होती हैं उनके द्वारा होता है ना, धमनी सिरा जिनको बोलते हैं हम, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ गया, ठीक है। और एक मजेदार चीज ये देखो कि रेस्पिरेशन जो है श्वसन है ना, तो श्वसन किस में, हम फेफड़ों में जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन है ना, तो अब अगर माना ये सिस्टम नहीं होता ऑक्सीजन को ले जाने वाला, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ब्लड लेके जाता है ना, जो रक्त है हमारा वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। अगर ये हृदय नहीं होता तो हृदय पंप करता है ना उसको ब्लड को, तो ऑक्सीजन को हमने फेफड़े में ऑक्सीजन गई वहां से नाखून तक है ना, पैर का जो अंगूठा है, अगर ये नहीं होता हृदय नहीं होता तो 3 वर्ष लग जाते, सोचो ऑक्सीजन के अणु को हमारे अंगूठे के किसी एक कोशिका तक पहुंचने में, है ना। तो कितनी वंडरफुल प्यारी सी मशीन ईश्वर ने हमें भेंट में दी है। अब देखो बेटा ये जो मानव का शरीर है इसको हम यूं ही कई बार जो है ना गलत आदतों की वजह से हम इसे नष्ट करते रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है गुटखा खाना है ना। आजकल देखो गांव में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुटखा खाते हैं, है ना, और बड़े होकर लोग क्या पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो हमारी जो ये शरीर है ईश्वर ने हमें गिफ्ट दी है, तो इससे हमें जो है ना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये नाव है, अगर नदी को पार करना है तो इस नाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो शरीर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो जो व्यसन है उनसे हमें, बुरी आदतें जो है उनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया उत्सर्जन। अब आपने देखा होगा कि आप चूल्हा जलाओ ऊर्जा प्राप्त करो लकड़ी जला के, है ना, तो क्या बच जाती है, राख बच जाती है उसके अंदर, तो वो हमारे किसी मतलब की नहीं होती नॉर्मली, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब हमारे शरीर में है ना जो हम भोजन लेते हैं उसका जब दहन होता है, कंबसन जब होता है उसका, है ना, तो क्या बनते हैं, कुछ अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं, अब जिसको बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है ना। आपने देखा ना कई बार कि जैसे बीमार हो जाते हैं बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बीमार हो जाते हैं है ना, तो 50 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं तो उनके कई बार देखा हो आपने पेशाब बंद हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उनके नली लगाते हैं है ना, यूरिन को पास करने के लिए उनके नली लगाते हैं, और फिर नीचे थैली लटकी रहती है उसमें पेशाब इकट्ठा होता रहता है ना। तो अब सोचो तुम अगर पेशाब मानव के शरीर में ही रह जाए, एक दिन के लिए भी रह जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना कितना कितना आवश्यक है ना। तो इतनी प्यारी सी मशीन के बारे में हम बहुत आराम आराम से इसमें पढ़ेंगे। तो देखो ये वीडियो जो है ना बेटा बहुत लंबा बनेगा, है ना, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आप एंजॉय करके पढ़ो। देखो कितना सा, अब माना जैसे ये मान के चलो ये 3 घंटे का वीडियो है, आप 3 दिन में देख लो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम यूं ही तो टाइम, बहुत बार हम टाइम को यूं ही वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर गपबाजी में, इधर उधर घूमने फिरने में, है ना। तो आराम आराम से कम पढ़ो लेकिन एंजॉय के साथ पढ़ो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, हम जैव सजीव जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं, है ना, और अजैव यानी निर्जीव, ठीक है, मैं कैसे अंतर करते हैं। तो नॉर्मली हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करते, हम देखते हैं भाई कोई सांस ले रहा है ना, दौड़ फिर रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार ये सजीव है ना, और जो ऐसा नहीं कर रहा है उसको निर्जीव कह देते हैं। लेकिन बहुत बार है ना जैसे पौधा है वो तो दौड़ भाग नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा ना, तो क्या पौधे को दौड़ भाग नहीं कर रहा तो निर्जीव कह देंगे, नहीं कहेंगे, है ना। तो यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली, गाय जुगाली करती है ना,
यानी पहले भोजन को क्या करती है, वो पूरा निगल जाती है, फिर धीरे धीरे टुकड़ों में वापस पेट से बाहर लाती है मुंह में, फिर उसको चबाती है ना, और फिर चबा के उसको अंदर शरीर में भेजती है, फिर वापस से थोड़ा सा पेट में से बाहर ले आती है मुंह के अंदर, फिर उसको चबाती है, फिर अंदर निगल लेती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम जुगाली करना बोलते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं समझता था कि पता नहीं ये क्यों ऐसे मुंह को हिलाती रहती है ठीक है ना। अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है ना। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हों, है ना, अब देखो यहाँ पर सो रहा है, तो क्या हम यही सोचेंगे कि वो सजीव है? सोचेंगे, यस, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सो रहा है तो भी उसकी सांस चल रही है और प्रक्रियाएं उसकी चल रही हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि ये सजीव हैं। पौधे के बारे में कैसे जानेंगे कि सजीव है? अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, है ना, पौधा वृद्धि करता है, लेकिन कई पौधे बहुत छोटे होते हैं जिनमें वृद्धि होती नहीं, चिपके रहते हैं वो, है ना, क्या रहते हैं वो, बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक है ना। जैसे जलीय पौधे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें तो वृद्धि नहीं हो रही, तो क्या वो सजीव नहीं कहेंगे, है ना। तो सिर्फ पत्तियों के रंग के आधार पे या वृद्धि के आधार पे तो हम नहीं कह सकते, है ना। तो लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि सिर्फ जो हमें आंखों से दिखता है उसी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी वस्तु सजीव है, कौन सी वस्तु निर्जीव है। तो इसके लिए हमें छोटे लेवल पर उतरना पड़ेगा, है ना, आण्विक लेवल पर उतरना पड़ेगा, मॉलिकुलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, अणु जो होते हैं, उस स्तर पर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पौधों के बारे में हमें से कुछ लोग कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ मोशंस के पर विचार करते हैं, कुछ गतियों पर विचार करते हैं, ठीक है ना, कुछ मोशंस के ऊपर विचार करते हैं। ये जो ग्रोथ संबंधी है या अन्य जो गतियां हैं, मोशंस हैं, MOTIONS, जो मोशंस हैं या मूवमेंट्स हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि हमको दिखाई नहीं देती। परलक्षित, परलक्षित का मतलब क्या होता है? दिखाई देना, जिनमें वृद्धि हमको नहीं दिख रही, लेकिन वो भी तो सजीव है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वे भी क्या हैं? सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी सिर्फ दिखाई देने वाली गति के आधार पर हम नहीं कह सकते, यानी सजीव निर्जीव में हम विभेद नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अति सूक्ष्म स्केल पर, है ना, बहुत माइक्रो लेवल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या यह अदृश्य आण्विक गति जीवन के लिए आवश्यक है? ये जो हमको दिखाई नहीं दे रही मॉलिकुलर जो मोशन है, ये आवश्यक है? यस, ये आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी व्यवसायी जीव विज्ञानी, व्यवसायी का मतलब ऐसे नहीं करना, समझना, दुकान चला रहा हो वो, व्यवसाय कर रहा हो, है ना। अब देखो ये हिंदी बड़ी मजेदार है आपकी बुक में, व्यवसायी जीव विज्ञानी का मतलब ऐसे समझ लेना आप कि ऐसा जीव विज्ञानी जो व्यवसाय करता हो ना, दुकान चलाता हो परचून की कहने का मतलब है वो जीव विज्ञान ही उसका क्या है, पेशा हो, समझ गए ना बात, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट हो। से करें तो उसका उत्तर पॉजिटिव होगा, हाँ, मैं कहेगा भाई हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मोशन है वो अति आवश्यक है। वास्तव में जो वायरस होते हैं, विषाणु जो होते हैं, अब देखो बेटा वायरस का नाम आते ही किसका याद आ गया, कोरोना का याद आ गया, है ना। हाँ, तो कोरोना भी क्या है, एक वायरस है ना। तो वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होती। वायरस की एक खासियत होती है बच्चों, है ना, कि ये वैसे तो क्या है, ये निर्जीव होता है, पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन या अन्य किसी जीव के बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ये जिंदा उठता है, पच्चपट्ठा, इतना बदमाश है ये, है ना, वैसे निर्जीव है, लेकिन जैसे ही मनुष्य की या अन्य जीवों की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, उनकी कोशिकाओं में चला जाता है, तो ये जीवित होता है ना, और इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ट्रमेंडस होती है, पूरे शरीर को ये अपनी चपेट में ले लेता है। वायरस कोई भी हो सकता है ना, जैसे बहुत सारे वायरस जो है ना, जैसे खांसी जुकाम है ना, ये भी क्या है, एक वायरस के द्वारा ही होती है ना, कोरोना का बताई दिया, है ना, ऐसे जैसे वो होती, क्या नाम है, एड्स जो होता है, वो भी एक वायरस है, ठीक है। तो जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, तो वायरस
कि अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता जब तक वो किसी कोशिका में प्रवेश करके उसको इन्फेक्ट नहीं करते, इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं उसमें। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं है। इस पर अभी क्या है, थोड़ा सा विवाद है कि भाई इन वायरसेस को हम सजीव माने या निर्जीव माने। जीवन के लिए आणविक गतियां मॉलिकुलर मोशंस क्यों आवश्यक हैं? पूर्वी कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, है ना। अब देखो ये सुसंगठित एक प्यारा सा शब्द आ गया आपके। सुसंगठित को वेल ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं हम इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड नेचर, ठीक है ना, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है ना। अब जैसे हमारी जो बॉडी है ना, देखो बेटा जिस समय बच्चा जन्म लेता है कहते हैं ना, उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना। फिर तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती रहती है, पर्यावरण के प्रभाव के, जो एनवायरनमेंट है इसके प्रभाव के कारण जो हमारी ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड और जो वेल ऑर्डर्ड नेचर की जो हमारी व्यवस्था है ये क्या होती है, ये ब्रेक डाउन होती रहती है, विघटित होती रहती है, टूटती रहती है। यदि ये व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अगर माना टूटती चली जाए, रिपेयर करने का कोई सिस्टम ना हो तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी जीव की, ठीक है ना। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, उनको मूव जो है ना मोशन में रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। यानी ये जो मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं जो मेंटेन करते हैं हमारी एक जीव को जीव के रूप में मेंटेन करना, है ना, अनुरक्षण का मेंटेन समझ लो आप, MAINTAIN। देखो आजकल क्या हो गया है ना, हिंदी समझाने के लिए इंग्लिश बतानी पड़ती है बच्चों को, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम क्या है, वॉट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हों, है ना, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं कर रहे तो भी ये लगातार चलता रहता है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, हम सो रहे हों, कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह मेंटेनेंस का कार्य चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्षति और टूट फूट, ठीक है ना, क्षति और टूट फूट का मतलब क्या है, डैमेज और जो ब्रेकडाउन होता है को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब कोई भी प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए भैया, ये तो सबसे पहली आवश्यकता है। यह ऊर्जा एकल जीव, अब देखो ये एकल जीव का मतलब ऐसे अलग से मत समझना, एकल जीव मतलब कि कोई एक जीव ऐसे समझ लो। यह ऊर्जा एक जीव जो होता है वो शरीर से बाहर से आती है, उसके अंदर कहाँ से आती है, वो शरीर के बाहर से आती है। ऊर्जा तो नेचुरली है, वो कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए, है ना, अब बाहर से जो ऊर्जा का स्रोत है वो जीव के कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, तो उसका जो ट्रांसफर होगा उसके लिए भी कोई प्रोसेस होना चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना अपन, यस। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं, है ना। तो जो भोजन है उसको शरीर के अंदर लेने का जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, पोषण हो गया। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, अब देखो सिर्फ हमको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत थोड़ी होती है, साथ में बढ़ता भी तो है ना। जैसे ऐसे समझो कि कोई एक बच्चा है ना, उसके बॉडी के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट हो रही है तो नई कोशिका बन रही है, लेकिन साथ के साथ वो बढ़ भी तो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसके हर अंग का विकास हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा सामान उसको चाहिए। तो यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। जो जो जीवन है ये किस पे है, कार्बन के आधारित आधार पर, जो
कार्बन बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। जो हमारे जो फूड मटेरियल हैं, मैंने अभी हमने कार्बन एवं कंपाउंड्स पढ़ा था ना, चौथा चैप्टर जो था, तो उसमें देखा था कि जितने भी हमारे भोजन से संबंधित चीज़ें वो सब किससे बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन उसका अभिन्न अंग हो गया। तो इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अनुसार, विविध जीव, विभिन्न प्रकार के जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि हर जीव का जो पोषण का प्रक्रिया है, जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, वो एक जैसा नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि जो अमीबा है उसमें अलग प्रकार से पोषण होता है ना। जो पौधे हैं, पौधे भी तो सजीव हैं, उनके अंदर अलग तरह से पोषण होता है। मानव जो है उसमें अलग तरह से पोषण होता है। और फिर क्या नाम है, जीवों में भी अलग तरह के, है ना, जैसे जो जंग वो होते हैं, जंगली जीव होते हैं, उनका अलग तरह से होता है। तो सब में अलग अलग प्रोसेस होता है। अच्छा, चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, जो हमारा ये एनवायरनमेंट है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट है किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये जो बाहरी स्रोत हैं विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है ना। तो इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है और बिल्ड करना पड़ता है, जिससे ये अंततः, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना और फिर विभिन्न प्रकार के अणुओं को मिक्स करा के दूसरे अणु निर्मित करना, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, विघटन निर्माण हो गया, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। अब देखो कितनी, अब ये है तो एक लाइन, बहुत छोटी सी लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखो बेटा, कि कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी काम करे, है ना, कोई रिक्शा चला रहा है तो, कोई सब्जी बेच रहा है तो, ठीक है ना, कोई खेती कर रहा है तो, कोई नौकरी कर रहा है तो, सब अल्टीमेटली सब क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो एक कॉमन चीज़ क्या हो गई, पैसा, है ना, मनी। तो वैसे ही कोई व्यक्ति, अब जो एक व्यक्ति है वो क्या क्या चीज़ें खाता है, दुनिया भर की चीज़ें खाता है सब्जी, दाल, है ना, भिंडी, तोरई, टिंडी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाता है वो, है ना, रोटी खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई चावल खाता है ना। तो इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है, एक ऊर्जा है ना। वो ऊर्जा क्या होती है, कॉमन होती है सारे जीवों के लिए, है ना। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एटीपी होता है वो, एटीपी अणु जो होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है, केमिकल रिएक्शंस की एक चेन बनती है ना, उपचयन अपचयन, है ना। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक रिक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। देखो, पहले इसने किसके बारे में बताया था, पोषण के बारे में बताया था, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, अब इसने किसके बारे में बता दिया, श्वसन के बारे में बता दिया, है ना। तो एक एक लेफ्ट जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, उसकी पूरी चीज, इन चारों चीजों का इसमें ये जिक्र करेगा, ठीक है। एक एक कोशिकीय जीव को की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है ना। अब देखो, जो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, है ना, जीव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। तो एक सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनाइज्म होता है, उसकी जो पूरी सरफेस होती है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में होती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास तो है ही एक सेल है, सिंपल एक सिंगल सेल है, ठीक है ना। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, जो उसकी बॉडी की डिजाइन है ना। अब देखो, ये अभिकल्प तुमने शायद सुना ही नहीं होगा, और मैं डिजाइन बोल दिया तो तुम्हारी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जो बॉडी का डिजाइन है वो जितना जटिल होता जाता है, मतलब जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, तो बॉडी का डिजाइन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, जटिल होता चला जाता है, सरल नहीं रहता। तब क्या होता है ना, तो बता रहे हैं लेखक, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, है ना। अतः साधारण विसरण, यस देखो, ये डिफ्यूजन, विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण का मतलब क्या है, जब किन्हीं दो चीजों की सांद्रताओं में अंतर होता है,
है ना, तो जहां से गाढ़ा होता है वहां से पतले की तरफ जो चीज बहती है ना, यानी अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ जो चीज बहती है उस प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगी आपके। तो जो विसरण है, कहने का मतलब ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म हैं, बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनमें खाली विसरण से काम नहीं चल सकता, उनके लिए विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए देखो हमारी बॉडी के अंदर है ना, इसके लिए उत्सर्जन के लिए क्या बनाए हैं, वृक्क बनाए हैं, किडनी जिनको बोलते हैं हम, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बना दिया, हृदय बना दिया, समझे ना बात, पाचन के लिए छोटी आंत और ये जो दूसरे सिस्टम हैं वो बना दिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म हैं उनमें सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता। अब कह रहे हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। विशिष्टीकृत का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड है ना, कोई एक विशेष फंक्शन के लिए होना, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होना उसका। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से, जो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं, तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का जो इनटेक है, अंतर्ग्रहण है, वो भी किसी स्पेशलाइज्ड ऊतकों का कार्य है ना। इनटेक भी किससे होगा, कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के द्वारा होगा। परंतु इससे एक समस्या पैदा हो जाती है, वो समस्या क्या है कि भोजन एवं ऑक्सीजन का इनटेक जो है कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, जाना चाह रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन पे लेके जा रहा है आपको, कि चलो आपने भोजन लिया, कहाँ चला गया, पेट में चला गया, लेकिन ऊर्जा की जरूरत तो कहाँ है, पूरे शरीर को है कि नहीं है। तो इसका मतलब उस भोजन को एक ऐसे रूप में चेंज करना पड़ेगा ना, एक बहुत बारीक ऊर्जा के रूप में चेंज करना पड़ेगा, जिसको कि पूरे शरीर तक पहुंचाया जा सके। तो उस पहुंचाने वाले सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना। तो परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है, यानी हमने जो भोजन अंतर्ग्रहण किया वो तो सिर्फ विशिष्ट अंगों द्वारा ही किया, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता तो सब जगह है, उस भोजन की जरूरत तो सब जगह है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र, आगे ना देखो मैंने बताया था आपको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है ना। अब ये किस पे जाना चाह रहा है, देखो बहुत ही प्यारे तरीके से आपसे ये बुक डिजाइन की गई है ना, बहुत मन से पढ़ो इसको एंजॉय करते हुए, है ना। अब ये एक्सक्रीशन पे ले जा रहा है आपको, है ना, निष्कासन पे, उत्सर्जन पे ले रहा है, ले जाना चाह रहा है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें जो कार्बन सोर्स है और जो ऑक्सीजन का उपयोग करके जो ऊर्जा बनी, इसमें ऐसे बहुत सारे उपोत्पाद भी बनते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। उपोत्पाद को क्या बोलते हैं, साइड प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए ना तो के ना केवल अनुपयोगी हैं, ये सिर्फ यूजलेस ही नहीं हैं बल्कि हार्मफुल भी हैं, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ना, बहुत कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी शरीर की कोशिकाओं के लिए ना केवल यूजलेस हैं बल्कि हार्मफुल भी हैं, है ना। चलो खाली यूजलेस ही होते तो पड़े रहते, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, काम में नहीं आ रहे, पड़े रहने दो, लेकिन हार्मफुल हैं, इसलिए इनको बाहर निकालना क्या है, अति आवश्यक है। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को, इन बाय प्रोडक्ट्स को, वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकलना वेरी नेसेसरी है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, है ना। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर डिजाइन, है ना, जो बॉडीली डिजाइन के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए भी कोई विशिष्ट अंग चाहिए कि नहीं चाहिए, विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। जो परिवहन तंत्र है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहाँ, देखो दोबारा पढ़ो इसको,
इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से, यानी कोशिका से ग्रहण करेंगे ना वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और कहाँ ले जाएंगे, उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचा देंगे, और वहां से फिर वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले, मेंटेन करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब देखो कितना प्यार से समझाया इसने, बुक वाले ने आपको। ठीक है ना। अब अपन आते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में देखो बच्चों, पहला है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, इसके बारे में बताएंगे। फिर है इसमें दो चीज हैं, एक तो प्लांट्स का है ना ऑटोट्रॉफ्स जिनको बोलते हैं, स्वपोषी पोषण, है ना। और फिर इसके बाद आता है, प्लांट्स का तो हो गया स्वपोषी पोषण हो गया, और फिर विषम पोषी पोषण, हीटरोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण, है ना। तो ये विषम पोषी में कौन आ गए, हम लोग आ गए, हम और जो अन्य जीव हैं। तो स्वपोषी में कौन आते हैं, पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी जो खुद का पोषण खुद करते हैं, और हम किन पे आधारित हैं, अन्य पे, प्लांट्स पे। तो हमारी भोजन में प्लांट्स की कितनी बड़ी भूमिका है ना, सब्जियां हमको प्लांट से मिलती हैं, है ना, चावल हमको प्लांट से मिलते हैं, गेहूं जो है वो भी हमको प्लांट से मिलता है, जिसकी रोटियां खाते हैं हम, है ना। तो हम अन्य चीजों पे निर्भर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, है ना। फिर जीव अपना पोषण कैसे करता है, फिर इसने लास्ट में इस पोषण के अंदर मनुष्य में पोषण को बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे ढंग से इसमें समझाया गया है। अब हम हैं पोषण, न्यूट्रिशन। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमको ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, अब ये देखो तुम्हारे लिए अलग सा शब्द आ गया, आभासी क्रियाकलाप, अपेरेंट एक्टिविटी, APPERENT, अपेरेंट एक्टिविटी, है ना, कोई विशेष कार्य समझ लो आप, है ना। जैसे आप चुपचाप बैठे हुए हो, सोच रहे हो बस खाली, तो कोई विशेष काम नहीं कर रहे, सो रहे हो तो भी कोई विशेष काम नहीं कर, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता आपको है। तो जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति, ये लो देखो क्या क्रम की स्थिति का मतलब है, ऑर्डर मेंटेन करना, बनाए रखना, है ना, ऑर्डर बनाए रखना। ऑर्डर का मतलब क्या है, तरीके से सब चीज चलती रहे, व्यवस्थित रूप से चलती रहे, के अनुरक्षण के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस आदि में हम बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें हमें बाहर से पदार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, इन चीज़ों के लिए। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह क्या है, भूड है हमारा, वह भोजन है। अब है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य की आवश्यकता समान है, सबको चाहिए भाई ऊर्जा, और मैटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए सबको, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है, इसकी जो सप्लाई है वो अलग अलग मेथड से होती है। कुछ जीव, यस देखो अब ये बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा है आपको, कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, अकार्बनिक स्रोत क्या है, देखो जो हम भोजन करते हैं वो सारा कार्बनिक स्रोत है, ठीक है ना, जो हम भी भोजन खा, जो मनुष्य जो भोजन करता है वो सारे के सारे क्या है, कार्बन स्रोत स्रोत हैं। और अकार्बनिक स्रोत क्या हो गया, जैसे वायुमंडल हो गया हमारा, है ना। तो वायुमंडल, पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बनिक, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, तो अकार्बनिक स्रोत हो गया कि नहीं हो गया वो, है ना। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी में से पौधे क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं, तो मिट्टी भी क्या है, एक अकार्बनिक स्रोत हो गई। ठीक है, तो कुछ जीव अकार्बनिक, ये पौधों की बात करने जा रहा है अब, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स, ये स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी हैं। अब देखो स्वपोषी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे ही आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, है ना, और जो वायरस होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जीवाणु और विषाणु में अंतर है, ठीक है ना। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य, उनको सरल पदार्थों में तोड़ना जरूरी है, ताकि ये जीव के संरक्षण, अपकीप तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, है ना। तो उनको ब्रेक करना आवश्यक है ना। अब जैसे सोचो तुम, दाल है, तो दाल को हम कहते हैं भाई, इसको दाल को सारी कोशिकाओं में बांट दो,
तो कोशिका क्या करेंगी इस दाल का, दाल खाई हमने उसको, है ना। तो दाल को पहले हमें किसमें, ऊर्जा के रूप में, है ना, पाचन करना पड़ेगा उसका, ग्लूकोज में परिवर्तित तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं हम, एंजाइम्स बोलते हैं। इस प्रक्रिया को किन के माध्यम से पूरा किया जाता है, बायो कैटलिस्ट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित हैं, है ना। जो हीटरोट्रॉप्स हैं, जैसे कि मानव है ना, वो अपने सर्वाइव करने के लिए उत्तरजीविता, देखो ये भी तुमने नहीं सुना होगा, सर्वाइव करना शायद सुन लिया हो बाय द वे, है ना, सर्वाइव करना, अरे यार जिंदा रहना सर्वाइव करना। अतः जो विषमपोषी हैं, हीटरोट्रॉप्स जो हैं, जिनमें कि मनुष्य आते हैं, अन्य जीव आते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, वो जो ऑटोट्रॉफ्स पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो जो एनिमल्स हैं और जो फंजाई, अब देखो इसकी स्पेलिंग होती है FUNGI, मैं इसको पहले फंगी बोलता था जबकि इसका सही उच्चारण क्या है, फंजाई, है ना, फंगी नहीं है, कई इसको फंगी बोलते हैं, फंगी भी नहीं है, फंगी भी नहीं है, ये क्या है, फंजाई, ठीक है। तो इसमें जो विषमपोषी, इसमें एनिमल्स आते हैं और कवक आते हैं, फंजाई आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम स्वपोषी पोषण, कि ये स्वपोषी पोषण जो है वो किस प्रकार से होता है। यस, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस द्वारा पूरी होती हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में चेंज उसको कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो बाहर से जो स्वपोषी होते हैं वो बाहर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और जल कहाँ से ले लिया, जमीन से ले लिया। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, अब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश मिल गया सूर्य सूरज से, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है ना, एक ग्रीन कलर का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, तो उसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है ना, जमीन में से पानी ले लिया H2O, और सूरज का प्रकाश, है ना, और इसको करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो होता है, जो हरी पत्तियों में होता है, प्लांट्स के पत्तियों में भी होता है और अन्य जगह भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है वो, ठीक है ना, मेजर पत्तियों में होता है वो, तो इससे फिर वो किस में चेंज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। देखो यहाँ नीचे इसमें दिखा रखा है, इस इक्वेशन में, ये प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है, समीकरण है। 6 CO2, 6 अणु किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 H2O, 12 अणु किसके हैं, जल के, है ना। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके क्या बन रहा है, C6H12O6। देखो ये इक्वल का निशान नहीं है, ऐसे कर देना इसको, ये है ना। तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और जल बाहर निकल रहा है ना। तो देखो बच्चों, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में डबल फायदा हो रहा है, कि एक तो ग्लूकोज मिल रहा है जिसको कि हम यूज करते हैं, है ना, और हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो एक तरह से ये जो ऑक्सीजन है, ये इस फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जो पौधे करते हैं, उसका एक तरह से अपशिष्ट है ये, सोचो, जो हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधों के द्वारा की जा रही है, उसमें ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, वेस्ट है उसके लिए, पौधे के लिए वेस्ट है ये, लेकिन हमारे लिए क्या है, जीवनदायी नहीं है, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति में अगर हमें कोई ऑक्सीजन दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, पौधे हैं। तो बेटा खूब पेड़ लगाओ, मैंने अपने घर के पास में करीब 10-15 पौधे पेड़ बना दिए, 10-20 फीट ऊंचे,
है ना, इस प्रक्रिया मुझे 8-9 वर्ष लग गए, तो आप भी बड़े होके खूब पेड़ लगाना, ठीक है। तो ये बताया है इसमें। फिर है देखो, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट खुद कुछ तो क्या है, पौधे खुद की काम में ले लेते हैं वो, है ना, शेष दूसरे जीवों को मिल जाता है। तो अगले सेक्शन में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, यानी पौधे को जरूरत नहीं है, जिनकी फिलहाल जरूरत नहीं है, उन्हें वो स्टार्च के रूप में संचित कर लेता है। मंड, मंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, STARCH, मंड, मंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है वो। यह जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा है, रिजर्व्ड इंटरनल एनर्जी है, की तरह कार्य करेगा ये जो स्टार्च है ये वो, तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है ना। तो इसीलिए तो देखो, हम जब व्रत करते हैं तो कई दिनों तक जिंदा रह जाते हैं ना है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारा बॉडी के अंदर भी एनर्जी क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। तो जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हैं, तो किसके रूप में होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में होता क्या है। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहली है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, दूसरी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब देखो यहां समझो इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये CO2 है, और इधर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। देखो इसमें सी और ऑक्सीजन है, इसमें सी और ऑक्सीजन के अलावा क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन और जुड़ गई। तो हाइड्रोजन का जो योग है आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जो योग है, एडिशन जो है, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, एक इसके पहले फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर ये थर्ड हुआ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषण करते फिर करके फिर क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है, है ना। तो अब ये कुछ एक्टिविटीज देगा, इसमें बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरत, कितनी जरूरी है ना, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना जरूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बताएगा। क्लोरोफिल हमारे लिए कितना जरूरी है इस प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण, हर चीज़ की अलग अलग हमको उपयोगिता ये एक्टिविटीज के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करो, है ना, क्रॉस सेक्शन, पत्ती को काट दें हम उसको, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम अगर माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, है ना, ग्रीन डॉट्स हमको दिखते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। तो वो बारीक बारीक जो हरे डॉट्स हैं, डॉट जो बिंदु हैं, वो क्या हैं, वो क्लोरोप्लास्ट है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स निर्मित करने हैं तो क्या चाहिए, देखो इसमें था ना ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इस इक्वेशन में लगा हुआ है ना ये क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की क्या है हमको आवश्यकता है, तो ये चीज़ इसमें समझाई गई है। तो देखो ये जो एक्टिविटी है मैं ये समझा देता हूँ आपको, है ना, कि आप पढ़ लेना फिर इसको, मैं इसको बारे में आपको बता देता हूँ कि ऐसी पत्ती ली हमने इस तरह की, है ना, कलर्ड एक लीफ ली हमने, तो देखा होगा आपने कई जगह पर हरी होती है और कई जगह पर क्या होती है, ये ब्राउन होती है, इस तरह की पत्ती हमने ली, है ना, इसको सबलित पत्ती वाला पौधा बोलते हैं हम, ये ले लिया, जैसे कि मनी प्लांट या क्रोटन ले लिया, है ना। फिर इसको 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा ताकि जो इसके अंदर जो स्टार्च पहले से मौजूद है वो क्या हो जाए, काम में आ जाए,
है ना, तो यानी स्टोर्ड जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए इसका। 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख लिया इसको, क्योंकि अंधेरे कमरे में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, है ना। अब पौधे को 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखा, ठीक है। पौधे से एक पत्ती तोड़ ली हमने, हरे भाग को अंकित कर लिया, फिर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे जैसे ऐसे ये पेपर पे ऐसे इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली, और फिर जहाँ जहाँ हरा है वहाँ पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना। तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया, एक कागज़ पे उसको ट्रेस कर लिया। कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी में डाल दिया, उस पत्ती को किस में डाल दिया, उबलते पानी में डाल दिया। इसके बाद इसे एल्कोहल के भरे बीकर में डाल दिया, और फिर एल्कोहल को गर्म किया उसको जलूस्मक पर, है। जलूस्मक में क्या होता है, इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, यानी ये जैसे यहाँ गर्म कर रहे हो, फिर एक ट्यूब होती है ना, इस ट्यूब में एल्कोहल भरा हुआ है और ये पानी गर्म हो रहा है, तो पहले पानी गर्म होगा और पानी फिर एल्कोहल को गर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये जब तक कि एल्कोहल उबलने ना लगे, फिर ये कह रहा है पत्ती के रंग का क्या होता है, तो जब एल्कोहल में उबलती है ये पत्ती, है ना, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो पानी में इस एल्कोहल में घुल जाता है, और पत्ती कैसी हो जाती है, बिल्कुल कलरलेस हो जाती है, रंगहीन हो जाती है ना। बिलियन का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया, क्योंकि सारा का सारा हरा रंग किस में पहुंच गया, इसमें पहुंच गया, ठीक है ना, एल्कोहल के अंदर। कुछ मिनट के लिए पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन, अब इसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने का मतलब क्या है, कि जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, तो पत्ती को बाहर निकाल कर आयोडीन से धो डालिए, उसको धो डाल दो उसको, फिर उसके रंग को देखो। तो कहने का मतलब बेटा कि जिस जगह पे ये हरा था उसी जगह पे ये क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये जो आयोडीन है ये स्टार्च के साथ क्रिया करके ब्लू ब्लैक कलर देता है ना। तो जिन जगहों पे ये हरा था उन्हीं जगहों पे ये ब्लू ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब कि इन जगहों पे ही क्या बना था, स्टार्च बना था। यहाँ पे ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ग्रीन जो पोर्शन दिख रहा है, इसी जगह पे क्या बना था, स्टार्च बना था, और उसी जगह पे इसने रंग चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो आ गया ना समझ में। तो पत्ती को ट्रेस किया था, उससे मिलान कर लिया हमने, पत्ती के विभिन्न भागों में स्टार्च की उपस्थिति के बारे में हम ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जहां क्या है, क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च बनता है ना, जहां क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च बनता है ना। तो ये एक्टिविटी हो गई, अब आगे चलते हैं हम। हाँ बच्चों, एक जरूरी बात है ना बेटा, देखो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है ना, और उस पर कमेंट करके बताइए बताइए मुझे, ज़्यादा नहीं तो इतना लिख दो, वेरी गुड वेरी नाइस कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। उससे क्या होता है, अन्य बच्चों तक भी वो पहुंचती है चीज़, है ना। ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट होते तो वो ज़्यादा दिखती है फिर वो चीज़, है ना। नहीं तो क्या होता है, देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा पता नहीं कैसा कैसा कंटेंट जो होता है वो फालतू की चीज़ें, है ना, होती हैं, तो और ये जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दबी रह जाती हैं। आपने देखो हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं ना, जबकि शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना, और मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अभी पिछले उसमें हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल की क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो क्लोरोफिल का देखा हमने क्या बनता है, उस प्रक्रिया के अंदर स्टार्च बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। कक्षा 9th में हमने पोर्स की चर्चा की, रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्स, ना, POURS, पोर्स की चर्चा की। ये जो है ना इसमें दिखा रखा, देखो ये जो बीच का है ये क्या है, रंध्र छिद्र है, ठीक है ना, ये पोर है, और ये क्या है, द्वारक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं नहीं है, ये क्या होना चाहिए, द्वारक, ठीक है ना। द्वार माने तो गेट होता है, डोर होता है ना। द्वारक, द्वारक क्या होता है, गेट पे खड़ा होने वाला, है ना, रक्षक, जैसे रक्षक क्या होता है, रक्षा करने वाला, है ना। तो ऐसे ही ये गार्ड सेल्स हैं जो कि इस स्पेस को कम ज्यादा कर देती हैं। तो जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है ना, ये इनकी चर्चा हमने 9th क्लास में की थी। फिर कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं पोर्स के द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ ये जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो किससे होता है, पत्तियों से ही होता है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि तना, जड़ इत्यादि से नहीं होता, उनसे भी होता है, चाहे भले कम मात्रा में होता हो। इन रंध्रों से, इन पोर्स से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, जल की हानि भी होती है ना, इससे क्या होता है, बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधा जो CO2 लेता है वो इन्हीं छिद्र छिद्र जो हैं, है ना, ये जो होल्स हैं इन्हीं से लेता है। अब माना ये ज़्यादा देर तक ये होल खुले रहेंगे तो इनसे पानी के लॉस होने की संभावना रहती है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो पौधा क्या करता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा होता है उस समय इन छिद्रों को क्या करता है, वो बंद कर लेता है, है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वारक, है ना, द्वारक कोशिकाओं का एक कार्य है, गार्ड सेल्स का ये कार्य है, है ना। इन द्वारक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स। द्वारक कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और पोर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, है ना। तो देखो ये अभी क्या है, ओपन है, CO2 ले रहा है और ये क्या हो गया, बंद हो गया इस केस में। तो खुला तथा बंद, बंद रंध्र, पोर, क्लोज्ड एंड ओपन पोर, ठीक है। अब इसमें एक एक्टिविटी ये और दर्शाई गई है, देखो ये चित्र देख लो आप, दो चित्र हैं इसमें, दो गमलों में पौधे ले लिए एक जैसे। अगली एक्टिविटी में हम इसको पढ़ेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। इसमें क्या है, देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, है ना, कि एक सेम एक जैसे दो गमले लिए, है ना, उनको ये दो कांच की प्लेटों पर रख लिया, इसको भी एक कांच की प्लेट पर रख दिया और इसको भी एक कांच की प्लेट पर रख दिया, ठीक है ना। फिर एक के पास में हमने क्या रख दिया, NaOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, तो क्या रख दिया हमने, KOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस प्लेट में रख दिया और इसको फिर ऊपर बैल जार से ढक दिया। बैल जार का मतलब क्या होता है, जिसमें से हवा प्रवेश नहीं कर सके, है ना, बिल्कुल पैक हो जाए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है ना। तो यही इसमें बताया गया इस एक्टिविटी के अंदर। तो अब हम इसको आगे चलते हैं इस एक्टिविटी के साथ में, क्रियाकलाप 6.2। लगभग समान आकार के दो गमले और हमें पौधे ले लिए हमने, 3 दिन तक उनको अंधेरे कमरे में रखा, जिससे कि वो जो उनके अंदर जो स्टार्च है वो क्या आ जाए, यूज आ जाए, है ना, उसको खत्म कर लें वो अपने। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग ग्लास की प्लेट पर रख दिया, एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने। चित्र के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बैल जार से ढक दिया, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा जिससे चिपक जाए वो, है ना, उसमें से एयर पास नहीं हो पाए, जिससे वो क्या होता है, एयर टाइट हो जाता है, वायुरोधी हो जाता है वो, ठीक है ना, क्या हो गया, ये वायुरोधी हो गया। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं हम, है ना। अब पहले तो 3 दिन तक किसमें रखा, अंधेरे में रखा उसको, जिससे कि उसका एब्जॉर्ब जो स्टार्च है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। फिर बैल जार से ढक के उसके पास वो रख दिया था हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अब उनको 2 घंटे के लिए कहाँ रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। तो अब प्रकाश में रखते ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है ना। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए, दोनों से, जो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है उससे और जिसमें नहीं रखा हुआ उससे, तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें भी स्टार्च की उपस्थिति की जांच की, जो एक्टिविटी 6.1 में किया था स्टार्च टेस्ट जो किया था, वही सेम इसमें भी करें हम, है ना। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती हैं, मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं, नहीं दर्शाएंगी। अब देखो होगा क्या बच्चों, कि जिस प्लेट में वो रखा हुआ था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहां पे उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाहर से सनलाइट तो आ रही है लेकिन उसको क्या नहीं मिल पा रही, CO2 नहीं मिल पा रही। तो क्या होगा, CO2 नहीं मिल पाई तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हो पाया, स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो जिस गमले के पास में CO2 वो क्या नाम है KOH रखा हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, उसकी पत्ती का जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो उतनी वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी, समझे ना, नीली काली जो रंग आ जाता है उसमें, पिछले वाले में देखा था ना हमने, उतना वो कलर उसका चेंज नहीं होता, है ना। जबकि जो दूसरी जो वो है उसमें क्या है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, तो उसकी पत्ती में जो स्टार्च है उसके जो कलर है वो स्पष्ट हमको दिखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा, है ना। तो ये समझाने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टार्च बनने के लिए CO2 बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने पहली वाली एक्टिविटी में किस क्या देखा था, उसमें किस चीज़ की टेस्ट किया था हमने, है ना, जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, है ना, उसमें जो ये ली थी ना अपन ने, एल्कोहल से भरा था उसमें और उसको आयोडीन से धो दिया था हमने, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, सनलाइट का, ठीक है ना, किसका था, सनलाइट का था। सनलाइट की जरूरत होती है, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना। बेसिकली क्या निकल गया था उसके अंदर से, क्लोरोफिल निकल गया था, ठीक है ना। और अब सेकंड वाले में क्या कर लिया हमने, CO2 का देख लिया। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो, अब आराम से समझो इसको, है ना। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि जिस पत्ती में क्या था, क्लोरोफिल था, उसी में ही स्टार्च बन पाया था, ठीक है ना। यानी उसका फिर वो जो है ना, एल्कोहल सॉल्यूशन में जैसे उसको गर्म किया था हमने, ठीक है ना, तो उसका वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट था उसमें से निकल गया था, तो फिर वो नहीं बना पाई वो उसको स्टार्च को। सेकंड एक्टिविटी में उन्होंने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो फर्स्ट एक्टिविटी बेसिकली किसके लिए थी, क्या टेस्ट करने के लिए थी, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी आवश्यकता होती है, बिना उसके नहीं होगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में क्या देखा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तीसरी ये कह रहा कि क्या आप देख सकते हो ऐसी एक्टिविटी कोई बना सकते हो जिसमें प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जरूरत हो। तो ये तो सिंपल बहुत ही है, एक पौधे को तो रख दिया किसमें, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, और एक को रख दिया अंधेरे कमरे में। दोनों की पत्तियों को 3 दिन तक रखा, दोनों की पत्तियों को फिर टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया उसमें, तो जो बाहर रखा था उसमें क्या होगा, स्टार्च की उपस्थिति मिलेगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी उसकी वो, है ना, और दूसरे में वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, हम देख लें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है ना। उनको भी क्या चाहिए, रॉ मेटेरियल चाहिए, उनको भी किसकी आवश्यकता होती है, रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जो टेरेस्ट्रियल पौधे होते हैं, जो जमीन पर पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं, वो जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, है ना। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन तथा मैग्नीशियम सरी के जो अन्य पदार्थ भी उसको कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है ना। अब जो प्रोटीन और अन्य यौगिक जो बनते हैं उनके लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है, तो वो पौधे को कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है ना। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या का नहीं है, ये क्या है, या नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। जो नाइट्रोजन लेता है पौधा, वो या तो लेता है अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में लेता है वो। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो बनाते हैं। तो अब हमने अभी तक हमने क्या देखा, स्वपोषी पोषण, है ना, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब हम आ गए हीट्रोट्रॉफ, HETRO, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, जो विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है ना। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि अलग अलग हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है, फिक्स है, जैसे कि घास है, या भोजन का स्रोत गतिशील है, जैसे हिरण, हिरण गतिशील है, इसको शेर वगैरह खाते हैं ना, शेर चीते खाते हैं, तो उनका जो भोजन है हिरण वो कैसा है, मूवेबल है ना। तो पशुओं का जो भोजन है घास वो कैसा है, अचल है, फिक्स है। जबकि जो दूसरे मांसाहारी जीव हैं, शेर, चीता वगैरह, उनका जो भोजन है जैसे कि हिरण, वो कैसा है, मूवेबल है। तो दोनों प्रकार के भोजन का जो अभिगम का तरीका है ना, दोनों प्रकार के भोजन के अभिगम का जो तरीका है, अभिगम को हम समझ सकते हैं एक्सेस, पहुंचना,
उसके पहुंच, उसकी वहां तक पहुंचने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न है, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, किस न्यूट्रिटिव एपरेटस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, है ना। इसमें उदाहरण क्या है, जैसे फफूंदी है, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, यीस्ट है, मशरूम है, तो ये क्या करते हैं, जो इनका भोज्य पदार्थ है उसका डिकम्पोजिशन, उसको ब्रेकआउट कहाँ कर देते हैं, वो शरीर से बाहर ही कर लेते हैं। आदि जो फंजाई होते हैं इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, उसको अंदर लेते हैं, है ना, जैसा कि हम मानव हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये विषमपोषी पोषण के अलग अलग प्रकार बता रहा है। जीव द्वारा किस प्रकार का भोजन, किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसका पाचन की विधि उसके शरीर की डिजाइन तथा उसकी फंक्शनिंग पर निर्भर करती है, ठीक है ना। यानी जीव द्वारा किस प्रकार का भोजन अंतर, यानी किस प्रकार का भोजन वो इंटेक करे, कितना, किस प्रकार का भोजन वो ले, और उसके पाचन की विधि जो है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी बॉडी की डिजाइन पर और उसकी फंक्शनिंग पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचेंगे, है ना। तो देखो, जो घास खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ठीक है ना, कीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मरे हुए खरगोश को खा रहे हैं, उन जंतुओं का जो भोजन लेने का तरीका और उनका जो पाचन का तरीका है वो भी क्या होगा, अलग होगा। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते। देखो, फर्स्ट तो कैसा था कि डिकम्पोजिशन बाहर हो, है ना, जैसे कि उसका देखा था, फफूंदी का देखा था, है ना, फफूंदी हो गई, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। दूसरा प्रकार हो गया, भोजन को अंदर लिया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर वहाँ पे उसका पाचन होता है, जैसे कि हम मनुष्य हैं या अन्य जो जीव हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह, है ना, ये इस तरह के हो गए। फिर तीसरे तरह के जो हैं वो हैं कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे, मारते नहीं हैं वो, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, है ना, जैसे अमरबेल होती है तो वो दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करती है। ऐसे जो जुआ वगैरह होती हैं, जू जिनको बोलते हैं, है ना, या वो होती है जोंक जो होती है, तो वो खून पीती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यह पोषक युक्ति अमरबेल, केलनी, जू, लीच तथा फीताक्रमी, टेफ वर्म सरी के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। इसमें तीन प्रकार के इसने बता दिए, ठीक है। अब हम आते हैं, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग हैं, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी अलग अलग होगा, है ना। जो सिंगल सेल वाले जीव होते हैं उनमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है ना। जैसे सिंगल सेल का इसमें यहाँ ये उदाहरण दिया गया है, किसका, अमीबा का, ये किसका, अमीबा में न्यूट्रिशन। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ भिन्न कार्य करने वाले विशिष्ट अंग बनते हैं। तो सिंपल जीव है एक ही कोशिका का, तो वो तो बहुत आसानी से उसमें ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स बनते जाते हैं उसका, है ना। अब ये बता रहा है, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है ना। देखो ये, इसको समझो, ये अमीबा का है ना। देखो ये अमीबा है ना, यहाँ पे जैसे ये खाद्य का कण आया, फूड पार्टिकल इसके पास आया, तो इसमें ये ऐसा एक छिद्र सा बन गया, है ना। देखो ये उंगली नुमा, इसे एक उंगली ऊपर हो गई, एक उंगली नीचे, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया, है ना, क्या बन गया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया। इसको पादाव या कूटपाद बोलते हैं, शूडो फूट बोलते हैं इसको, है ना। फिर इसको अंदर ले लिया और बंद कर लिया इसने, तो ये क्या बन गई, ये फूड वैक्यूल बन गई, खाद्य रिक्ति का बन गई, है ना। और फिर इसने इसको अंदर क्या कर लिया, पचा लिया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये क्या है, सिंगल सेल का जो जीव है ना अमीबा, उसके बारे में बताया गया है। तो अमीबा की कोशिकीय सतह से क्या होते हैं, अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध, है ना, फिंगर लाइक टेम्पररी प्रोजेक्शंस होते हैं, उनकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म है इसका, है ना, उसके अंदर ये जो है, इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं।
बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, सरफे से पहुंच जाता है वो, तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाव की गति द्वारा पहुँच है ना, सिलियरी मोशन के द्वारा इसे धीरे धीरे ऐसे गति करके पहुँचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ये जो सिलिया होते हैं ये कोशिका की पूरी सतह को क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये इसने बताने की कोशिश की। अब आता है मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, है ना। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है, हम मानव हैं तो हमारे भोजन का हम कैसे अंतर्ग्रहण करते हैं, किस तरह से उसका पाचन होता है, तो ये क्या हो गया, पोषण हो गया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आहार नाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। मूल रूप से मुंह से लेके गुदा तक है ना, माउथ से लेके एनस तक विस्तरित एक्सटेंडेड एक लंबी ट्यूब होती है, यानी आप देखो मुंह से लेके और जहां से मल बाहर निकलता है वहां तक ये एक ही रास्ता है, सिंगल ट्यूब है। ठीक है ना, इसका हालांकि बीच बीच में आकार अलग अलग है लेकिन ये ट्यूब एक ही है। चित्र 6.6 में, आगे वाले चित्र में, इस नली के विभिन्न भागों को हम देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रवेश कर जाता है उसका क्या होता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो ये एक्टिविटी 6.3 पढ़ लेते हैं अपन, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। 1 ml स्टार्च का घोल, मंड यानी स्टार्च का घोल, दो परख नलियों ए और बी में ले लिया हमने, है ना, दो परख नली, उनमें 1 ml स्टार्च का घोल ले लिया। परख नली ए में 1 ml लार डाल दी, है ना, जो सलाइवा होती है हमारी मुंह के अंदर वो डाल दी। ठीक है, और दूसरे को सिंपल वही रखा। दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। प्रत्येक परखनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल की डाल दीजिए। किस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छा, अब देखो कि दो सेम परखनली हैं, इनमें एक एक ml क्या लिया हमने, स्टार सॉल्यूशन लिया है। तो जिसके अंदर हमने लार डाली है ना, लार के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना बेटा, तो वो लार क्या करेगी कि वो जो स्टार सॉल्यूशन है उसको ये लार क्या कर देगी, अपघटित कर देगी, है ना, उसको तोड़ देगी, है ना। स्टार्च का क्या हो गया, अपघटन हो गया, यानी स्टार्च नहीं बचा, स्टार दूसरे रूप में चेंज हो गया और दूसरी जो परखनली उसमें स्टार्च ऐसे के ऐसे ही है। तो फर्स्ट परखनली में जिसमें कि हमने लार डाली थी, सलाइवा डाली थी, उसमें जब अपन आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका रंग जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, उतना गहरा ब्लू ब्लैक नहीं होगा जितना कि दूसरे में जो प्योर स्टार्च है उसमें होगा। तो क्या समझ में आया कि लार जो है ये भोजन का क्या कर देती है, पाचन कर देती है, स्टार्च का क्या कर देती है, पाचन कर देती है, है ना। अब ये मैं स्टार्च बोल रहा हूँ आपको, स्टार्च को अब बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते, कल्पना नहीं कर पाते कि स्टार्च होती क्या चीज़ है। देखो मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ आपको, आलू है ना, आलू को आप उबाल लेते हो तो आलू के अंदर जो माल भरा हुआ है जो है ना, जो उसका गूदा है, ऐसे ही शकरकंदी होती है, शकरकंदी को उबाल लेते हो आप, शकरकंदी के अंदर जो गूदा निकलता है सारा का सारा, है ना, वो क्या है बताओ, वो स्टार्च है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप इसको, है ना। तो ये एक्टिविटी हमने समझ ली, अब हम इसमें आगे आते हैं। देखो बेटा इस चित्र को बच्चों बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है और बहुत एंजॉय करते हुए इसे हमें पढ़ेंगे। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, है ना, तरह तरह की सब्जियां खाते हैं, है ना, बहुत सारे जो है ना, कोई चावल खाता है, कोई दाल का, वो क्या नाम, रोटी खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई मक्के की खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई बाजरे की खाता है, सब तरह के अलग अलग होते हैं ना। तो जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, सेम भोजन नली से, प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, है ना। तो देखो भोजन को कहते हैं ना दांतों से चबा चबा के खाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में फटाफट हल्का फुल्का मुंह में चबाया और फट से पेट में निगल लेते हैं उसको, है ना, और फिर पेट मोटा हो जाता है, डकार मारते फिरते हैं फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये कि बेटा जो दांतों का काम है वो दांतों को करने दो, शांति से उस भोजन को हम चबाएं और फिर धीरे बिल्कुल उसको आराम आराम से चबा के फिर अंदर जाने दें, है ना। क्योंकि अंदर जो है वो आते हैं, वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, वो कोई कुट्टी की मशीन नहीं जो उसको काट देगी, समझ गए ना।
तो इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का जो अस्तर है, लाइनिंग है, बहुत कोमल होता है। जो आहार नाल है हमारी, आहार की जगह क्या आएगा, आहार नाल, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो लाइनिंग है, अंदर की जो सरफेस है, वो बहुत कोमल है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ना। अगर रूखा भोजन तो अटक जाएगा फिर उसके अंदर, है ना, तो उसको क्या किया जाता है, गीला किया जाता है ना, ताकि इसका मार्ग क्या हो जाए, आसान हो जाए, आसानी से सरक जाए उसमें। जब हम अपनी मन पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह में क्या जाता है, पानी आ जाता है। ये वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि है ना, सलेवरी ग्लैंड। लाला ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, उसके द्वारा एक निकलने वाला रस है, जिसे हम लाला रस भी बोलते हैं या लार कहते हैं, है ना। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना पड़ेगा, खंडित करना, छोटे अणुओं में क्या करना पड़ेगा, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम एंजाइम बोलते हैं। लार जो है, हमारी जो सलाइवा है, यह भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। इसे क्या बोलते हैं, हम लार एमिलेज बोलते हैं, है ना, इसे हम लार एमिलेज कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं, मंड जटिल अणु जो हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सरल शर्करा में, है ना, सिंपल सुगर्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है ये लार जो है ना। तो भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जो जिह्वा है हमारी, मस्क्यूलर जो टंग है, वो भोजन को लार के साथ क्या कर देती है, पूरी तरह मिला देती है। देखो, तो जीव का काम बोलना ही नहीं है, कि गाली बकने का ही काम है इसका खाली, है ना। जीव का काम क्या है, भोजन को और हमारे लार को मिक्स करना भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारी जीभ हो गई, ये मुंह हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोल देते हैं, या अपन इसको, ये देखो यहाँ से लेके और ये नीचे तक, लास्ट तक, ये पूरी आहार नाल कहलाती है, ठीक है। आहार नली के हर भाग में, आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति, है ना, जो उसकी कंटिन्यूअस मोशन है, उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है ना। उसकी सही प्रोसेसिंग होने के लिए उसकी मोशन भी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये जो क्रमाकुंचन गति है पूरी भोजन नली में होती है, ये जो पेरिस्टेल्टिक मोशन है, ये पूरी की पूरी जो आहार नाल है हमारी उसमें होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस, है ना, देखो ये ग्रसिका है ना, इसको इंग्लिश में ईसोफेगस भी बोलते हैं, है ना। तो ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा लिया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन, आमाशय किसको बोलते हैं, स्टोमक जो है हमारा, उस तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की जो पेशीय भित्ति है, जो इसकी मस्क्यूलर वॉल है, भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है ना। तो इसकी जो मस्क्यूलर वॉल है, ठीक है ना, वो भोजन को अन्य पाचक रसों, तो ये यानी जो हमारा स्टोमक है, इसकी वॉल से भी कुछ रस सीक्रेट होते हैं, कुछ रस श्रावित होते हैं, ठीक है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित, अब देखो आ गया ना ये, तो आमाशय की जो वॉल है उसमें उपस्थित जठर ग्रंथियां, इसमें क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। अब देखो ये जो हमारा स्टोमक है ना, देखो ये रहा आमाशय, ये आमाशय है ना, ये से ये, तो इस आमाशय की जो वॉल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं, उनमें ग्लैंड्स होती हैं, है ना, ग्रंथियां होती हैं, और उन जिनको क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां बोलते हैं, है ना। और इन जठर ग्रंथियों से क्या चीज निकलता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन स्राव होता है, और दूसरा म्यूकस, है ना, एक म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका श्रावण होता है, ठीक है, बनता है। श्रावण का मतलब क्या होता है, बनना उसमें, ठीक है ना, निकलना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है ना। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसके लिए अम्लीय माध्यम होना जरूरी है। तो ये प्रोटीन का पाचन तभी कर पाएगा जब भोजन का माध्यम कैसा हो जाए, अम्लीय हो जाए। तो इसलिए फिर हमारी जो आमाशय की जो ग्रंथियां हैं, वो क्या क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं।
आपके विचार में अम्ल का और कौन सा कार्य हो सकता है? तो हम बता सकते हैं, देखो इस एसिड का कार्य और क्या हो सकता है। एक काम तो ये हो गया कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन, वो सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। दूसरा कि जो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया हम ले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, तो उन बैक्टीरियाज को ये जो अम्ल है क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। इस अम्ल की वजह से वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो एक उसका ये कार्य हो गया। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा जो म्यूकस है, जो चिपचिपा पदार्थ है, वो आमाशय के जो उसकी जो आंतरिक स्तर है ना, जो इंटरनल जो लाइनिंग है उसकी, है ना, जो सरफेस है उसकी अम्ल से रक्षा करता है। अब देखो, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या बन रहा, अम्ल बन रहा है, तो अम्ल तो किसी भी चीज़ को क्या करता है, नष्ट कर देता है, तो उससे तो हमारा आमाशय को नष्ट होने का खतरा होता है। तो इसलिए जो म्यूकस है, ये जो श्लेष्मा है, ये एक परत बना लेती है आमाशय की दीवारों पर, जिससे कि आमाशय की जो दीवारें हैं वो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती हैं। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करने सुना है ना, एसिडिटी हो गई, खट्टी डकार आना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि जब हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, है ना, शादी पार्टियों में गए और खूब दबा के खा लिया, तो बॉडी क्या करती है, फिर उसके पाचन के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है, ठीक है ना। तो उससे फिर क्या होता है, अपच हो जाती है, है ना, खट्टी जो है ना, ज़्यादा अम्ल स्रावित होगा तो क्या होगा, पेट में जलन होने लग जाएगी, तो एसिडिटी हो जाएगी हमारी। फिर है आमाशय से जो भोजन है, अब ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। देखो ये कुंडलीनुमा जो पतली पतली बारीक बारीक कुंडलियाँ नजर आ रही हैं आपको, देखो ये क्षुद्रांत, है ना, समझ गए ना, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाहर जो है ये वाला, देखो ये मोटा जो पोर्शन है ये, है ना, ये क्या, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ठीक है ना, जहाँ छोटी आंत खत्म हो रही है वहाँ पर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, देखो यहाँ ये बड़ी आंत शुरू हो गई और फिर यहाँ तक ये बड़ी आंत है, इस लार्ज इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। तो आमाशय से भोजन अब छोटी आंत में प्रवेश करता है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, स्फिंक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर बोलते हैं, अवरोधनी पेशी, SPHINCTER है या AR, ER होगा, स्फिंक्टर से नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी आहार नाल जो है, एलिमेंट्री केनाल, इसका सबसे लंबा पार्ट है ये। ये अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, कॉइल्ड होती है, इसे कुंडली होती है ना इस तरह से यूं, है ना, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह है कॉम्पैक्ट स्थान में अवस्थित होती है, कॉम्पैक्ट स्थान में ये फिक्स होती है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है ना। जो घास खाने वाले शाकाहारी, उनको क्या होता है, घास में मेजर पार्ट क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो उसको पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है ना। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी होती है, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो घास होती है जिसमें सेलुलोज होता है, उसको पचाना ज़्यादा कठिन होता है, तो उसके लिए छोटी आंत जो है वो ज़्यादा लंबी चाहिए, है ना। तो ये जो घास खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं, उसमें उनमें मांस खाने वाले मांसाहारी जीवों की तुलना में जो छोटी आंत है वो ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, है ना। तो इस छोटी आंत के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का और जो फैट्स हैं, इनका पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत, लिवर, यकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिवर, और अग्नाशय इसको पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज, लिवर और पैंक्रियाज। तो आमाशय इस कार्य के लिए, यह जो हमारी छोटी आंत हैं, ये लिवर और पैंक्रियाज से श्रावण प्राप्त करती हैं। श्रावण का मतलब जो वहाँ सीक्रेट हो रहा है, रस जो बन रहे हैं, कहाँ पे, लिवर में जो रस बन रहे हैं और पैंक्रियाज में जो रस बन रहे हैं, वो कहाँ आते हैं, छोटी आंत के अंदर आते हैं, जिनसे कि किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इनका पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है ना। तो देखो, आमाशय के अंदर हमने देखा था ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो वो अम्लीय है।
और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। और जो अग्नाशय से जो पैंक्रियास से जो एंजाइम आ रहे हैं है ना, उनको कार्य करने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। अब देखो समस्या पैदा हो गई नहीं हो गई कि आमाशय से जो जो भोजन आ रहा है ना, वो कैसा है? एसिडिक है, उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। और जो अग्नाशय से जो श्रावण आ रहा है, जो रस निकल के आ रहे हैं, वो क्षारीय माध्यम में कार्य कर पाएंगे। तो ये काम कौन करेगा? ये काम लिवर करता है, यकृत करता है ना। तो जो लिवर जूस पैदा करता है, इसको बाइल जूस बोलते हैं, है ना, पित्त लवण जिसको बोलते हैं, वो इस अम्लीय को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। क्योंकि ये जो बाइल जूस होता है, ये बेसिक होता है, क्षारीय प्रवृत्ति इसकी होती है, ठीक है ना। तो यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है, बाइल जूस जो होता है ये इसको करता है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है ना। तो अब देखो, ये जो यकृत से जो बाइल जूस आता है, लिवर से जो बाइल जूस आता है, ये दो कार्य हो गए इसके। पहला कार्य तो कि जो भोजन अम्लीय माध्यम वाला जो भोजन था, जो आमाशय से आया छोटी आंत के अंदर, उसको ये बेसिक बना देता है, उसको क्षारीय कर देता है। दूसरा, जो वसा का पाचन है वो भी पित्त रस से ही होता है, क्योंकि वसा जो है ना, वो मोटी मोटी गोलियों के रूप में बन जाता है वो, है ना। और उन मोटी मोटी गोलियों को तोड़ने का काम कौन करता है? ये जो पित्त रस है जो लिवर से आ रहा है वो करता है, ठीक है ना। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना, कितनी हमारे शरीर में क्या ईश्वर ने वंडरफुल मशीन दी है। ये छोटी आंत में वसा जो होती है, वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में। ग्लोब्यूल है ना, GLOBULE, गोलिकाओं को बोला गया है ना। तो छोटी आंत में जो फैट्स जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये जो पित्त लवण है, उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो ये जो पित्त लवण है, उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है ना। ये साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है ना। जैसे आपने देखा होगा, पिछला जो चैप्टर 4 था उसमें पढ़ा था ना अपन ने, साबुन क्या करता है? जो गंदगी होती है, जो मैल होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वसा होती है, चिकनाई होती है वो, है ना। तो उस चिकनाई को क्या कर देता है? वो घेर लेता है चारों तरफ से, है ना। और चिकनाई और कपड़े का जो बॉन्डिंग होती है, उसको वो अलग कर देता है, ठीक है ना। तो वही उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो वैसे ही जो बाइल जूस है, जो उससे आ रहा है, लेवर से आ रहा है, वो इस फैट्स का जो वसा हम खा रहे हैं, उसका क्या करता है? इमल्सिफिकेशन उसका कर देता है। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है। जो पैंक्रियाज हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है ना। अब देखो, जो पैंक्रियाज हैं, पैंक्रियाज से दो जूस निकले, दो एंजाइम निकले, एक हुआ ट्रिप्सिन है ना, जो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना। तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है। तो ये ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ से आते हैं बताओ? ये पेंक्रियास से आते हैं, अग्नाशय से आते हैं। अब देखो ये अग्नाशय कहाँ है, ये रहा, है ना, इसमें नजर आएगा आपको, है ना, इस चित्र के अंदर। देखो ध्यान से, देखो ये हमारा आमाशय हो गया, है ना। और ये जो है, ये ब्राउन कलर की संरचना, ये क्या है बच्चों? ये लिवर है, यकृत, है ना। देखो यहाँ लिख रहा होगा ना आपको, ये यकृत है ना। तो ये पूरा ये जो ऑर्गन है, ये क्या है? यकृत है ना। और देखो इसके पीछे, इसके अंदर नहीं है ये, ऐसे मत समझना कि इसके अंदर है ये, है ना। इसके पीछे की तरफ ये जो छोटी सी संरचना है, ये क्या है? ये पित्ताशय है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो लिवर का जूस है, वो क्या हो जाता है ना, इसके अंदर इकट्ठा होता है, पित्ताशय के, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, इसमें इकट्ठा हो गया। और ये देखो, ये रहा, ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज है ना। तो ये जो छोटी आंत है, इसके अंदर इस लिवर से जूस आता है ना, और इस अग्नाशय से भी जूस आता है। लिवर के जूस के क्या काम थे बताए? अभी बताया था ना कि पहला काम तो ये है कि जो आमाशय से जो अम्लीय माध्यम वाला भोजन आया, उसको क्षारीय बना देना है ना। और दूसरा, जो वसा है ना, उसका इमल्सिफिकेशन कर देना, उसकी जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना, ठीक
ठीक है। फिर ये अग्नाशय आ गया, अग्नाशय से भी दो है ना, तो एक तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए है ना, और दूसरा जो वसा की छोटी छोटी गोलियां बनी उनका पाचन करने के लिए है ना। तो दो दोनों कौन कौन से एंजाइम हैं यहाँ पे दिए हैं, वसा का प्रोटीन के पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन और वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज, ठीक है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो छोटी आंत की जो वॉल होती है, भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल, दीवार, ठीक है ना। अब दीवार को ये ईंट पत्थर की नहीं होती, ये कोशिकाओं की बनी होती हैं, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं हमारे, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं किसकी हैं, कोशिका, और कोशिका मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं है ना, ऊतक बनाती हैं, उनसे निर्मित होती हैं। तो इनकी भित्ति में ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो आंत्र रस स्रावित करती हैं है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी आंत सिर्फ लिवर से आने वाला जूस और जो पैंक्रियास से आने वाला जूस है उसी पर ही निर्भर है, इसकी खुद की दीवारों से भी पाचक एंजाइम निकलते हैं छोटी आंत की है ना। तो छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, इंटेस्टिनल जूस बनाती है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल है ना, क्या करते हैं वो, अंत में प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं है ना। तो इसके जो इंटेस्टिनल जूस जो है, जो छोटी आंत की दीवारों में जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो जूस बनता है, वो ये तीन काम करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। तो देखो हर का अपना अलग अलग फंक्शन है। पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है ना। अब जो भोजन पच गया है ना, इसकी जो दीवारें होती हैं है ना, वो कैसी होती हैं, छोटी आंतों की जो दीवारें होती हैं वो पोरस होती हैं, छिद्रयुक्त होती हैं है ना, और उनमें से जो पचा हुआ रस है ना, वो अब ये जो छोटी आंत की दीवारें हैं इनके, इनमें क्या होती हैं, अनेक जो खून की नलियाँ होती हैं बारीक बारीक, इनको केशिकाएँ बोलते हैं, कोशिका नहीं, केशिकाएँ, कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड बहता है ना। केशिका क्या होती है, एक सेल की मोटाई के बराबर पतली नली होती है जिनमें खून बहता है ना। तो वो रक्त क्या करता है, उन जो छोटी आंत की जो दीवारें हैं उनमें से पचित भोजन जो रस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ब्लड जो है उसको सब हर एक प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो पचित भोजन को जो आंत्र की भित्ति है, जो हमारी छोटी आंत की जो दीवार है, ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें भी आया था ना, अमीबा वाले में भी आया था, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, दीर्घरोम कहते हैं है ना। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इनको ये जो दीर्घ रोम है ये क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं है ना। एक तरह से ऐसे समझो, ये जैसे ऐसे होता है ना, इस तरह से ऐसे, ये इस तरह की ये संरचना, उभरी हुई संरचनाएं रहती हैं, तो इससे क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एब्जॉर्बिंग एरिया क्या होता है उसका, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, ये क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर, जो छोटी आंत है उसके आंतरिक स्तर पर क्या होते हैं, छोटे छोटे उंगली नुमा प्रबर्ध होते हैं है ना, और उन उंगली नुमा प्रबर्धों को क्या बोलते हैं हम, दीर्घ रोम बोलते हैं इनको है ना। और इंग्लिश में देखो बच्चों, इस दीर्घ रोम को मैं बताऊं आपको, विलाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विलाई, VILLI, दीर्घ रोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, VILLI, विलाई। छोटी आंत की जो आंतरिक लाइनिंग है, इंटरनल जो लाइनिंग है, उस पर अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या विलाई होते हैं। ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अब ऐसे सोचो, अगर ये प्लेन होती ऐसे तो इसका क्षेत्रफल कम होता, और ऐसे ये ऐसे प्रोजेक्शन से निकल के तो क्षेत्रफल क्या हो गया उसका, बढ़ गया। तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना उसको आसानी से, पचित भोजन रस को, ठीक है ना। तो इससे दीर्घ रोम में जो विलाई के अंदर जो रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, कैपिलरीज जो है, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर वाहिकाओं को क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज बोलेंगे, उनकी एक एक्सटेंसिव जाल होता है उसका, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है ना। बिना पोत पचा हुआ जो भोजन है ना, अब ये मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसने पाचन कर दिया,
छोटी आंत ने कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया। अब जो से बिना पचा भोजन है ना, वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, बृहदान्त्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, है ना। तो जो छोटी आंत है उसमें अलग तरह की विलाई है ना, और इसमें भी अलग तरह की विलाई है बड़ी आंत में भी, तो वो क्या करती हैं, उसमें से किसका अवशोषण कर लेती हैं, जल का अवशोषण कर लेती हैं मैक्सिमम जो है ना, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पानी बॉडी में से वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जो बड़ी आंत है वो मेजर क्या करती है, पानी का अवशोषण कर लेती है। अन्य पदार्थ जो है वो गुदा द्वारा, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का, वेस्ट मटेरियल, वर्ज्य पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण, बहिक्षेपण यानी बाहर निकालना, गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाँ, अब देखो ये अवरोधनी का पहले रह गया, मैं बताता हूँ आपको, है ना। यानी हमारी अवरोधनी का मतलब क्या है, देखो बेटा ऐसे समझो आप, सही, ये कोई ट्यूब है ना, और इसमें यहाँ एक छल्ला है, ठीक है ना, एक छल्ला यहाँ, एक छल्ला यहाँ है, रबर बैंड समझ लो आप इसको, ठीक है ना। तो जब ये छल्ला टाइट होगा तो एक तरह से इसकी क्या कर देगा, ये बंद कर देगा इस रास्ते को, है ना, इसको ऐसी बन जाएगी फिर ये ट्यूब, इस तरह से बन जाएगी फिर ये ट्यूब, है ना, इस जगह पर सिकुड़ गया ये छल्ला, है ना, तो आगे नहीं जाने दे रहा, समझे नहीं समझे बात। तो देखो ये जो स्फिंक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, स्फिंक्टर्स बोलते हैं, SPHINCTERS है या ORS है, देख लेना, है ना, स्फिंक्टर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वन डायरेक्शनल मोशन को इंश्योर करते हैं कि कोई चीज एक ही रास्ते से जाए, है ना। अब जैसे तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका, जैसे कई बार देखा होगा कि हमको ऐसा लगता है जैसे कि पेट पेट में से जैसे होता है ना, कई बार गले में आ जाती है, खट्टी खट्टी चीज आ जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जो यहाँ पे देखो ये रहा, इससे समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ एक स्फिंक्टर है ना, यहाँ पे एक छल्ला है, एक अवरोधनी है ना। ये क्या करती है कि जैसे ही भोजन यहाँ आता तो खुल जाती है ये, है ना, और जैसे ही भोजन इसमें से इधर नीचे गया, आमाशय में पहुंचा, ये बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन सिर्फ इस आहार नाल से, इस ग्रसिका से, ईसोफेगस से आमाशय में प्रवेश कर सकता है, आमाशय से उल्टा नहीं जा सकता ऊपर, समझ गए ना, आमाशय से क्या नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे है, इस जगह पे है ना, एक स्फिंक्टर इस जगह हो गया, तो ये क्या करेगा, जो आमाशय से फिर किस में, छोटी आंत में, है ना, तो कुछ छोटा 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 टुकड़ों में जाता है फिर ये, है ना, यानी थोड़ा सा भोजन का पार्ट किस में चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा, है ना, फिर ये जो स्फिंक्टर है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, रबर बैंड क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, फिर जैसे ही यहाँ पर ये पच गया फिर ये खुल जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ सरक जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इसकी गति को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा खट्टी डकारें आने लग जाती है, हमारा ये जैसे कड़वी कड़वी होने लग जाती है, गले तक आ जाता है वो, आपने कभी नोट किया हो तो, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो। इसका मतलब क्या है कि ये जो अवरोधनी है हमारी, अगर बाय द वे गलती से ये ढीली पड़ गई तो ये आमाशय से जो भोजन है ना, ये क्योंकि ये अम्लीकृत होता है, एसिड होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो एसिड क्या करता है, इस गले के अंदर जलन पैदा कर देता है, है ना। तो ऐसे एक अवरोधनी यहाँ होती है जो कि जो मल है इसको बाहर निकालने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये किसका है, अवरोधनियों का पार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपका क्या पार्ट पूरा हुआ है बेटा, पोषण पूरा हुआ है, न्यूट्रिशन पोषण पूरा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हो गया इस लेसन का, अब इसके तीन पार्ट और बचते हैं, है ना। सेकेंड है श्वसन रेस्पिरेशन, है ना, श्वसन है रेस्पिरेशन। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं, है ना, ये रहा वहन, ठीक है ना, वहन। और फिर इसके बाद में क्या है, उत्सर्जन, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, है ना, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अब ये पढ़ेंगे, इसके बाद श्वसन रेस्पिरेशन। अब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, है ना, श्वसन, इसके बारे में मोटी मोटी बातें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ ली थी, है ना, रेस्पिरेशन, इसके पिछले पार्ट में, ठीक है, रेस्पिरेशन।
तो इसमें दो एक्टिविटी दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर। पहली वाली एक्टिविटी है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, नलिका है, और इस नलिका के अंदर परख नली में चूने का पानी। चूने का पानी का मतलब क्या है, ऐसे समझो कि जो चूना होता है, लाइमस्टोन होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या किया, पानी में घोल लिया है ना, या CaO जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसको पानी में घोल लिया है ना। और फिर जब वो निथर जाता है ना, निथरने का मतलब उसको थोड़ी देर के लिए रख दो, तो ऊपर ही ऊपर क्या होता है, पानी जो है ना, वैसा बिल्कुल जो है ना वाइट पानी या कलरलेस जो पानी है वो, और नीचे जो है ना वो चूना जम जाता है, तो ऊपर वाला जो निथरा हुआ जो पानी है उसको अलग कर लिया हमने, है ना। तो ये वही वाला पानी है, परख नली में चूने का पानी ले लिया। तो ये कैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि नॉर्मल पानी होता है वैसा, ठीक है ना। तो इसमें हमने मुंह से फूंक मारी, इसमें है ना, फर्स्ट में तो क्या है, इसमें मुंह से फूंक मारी, और दूसरे में क्या है, इसमें पिचकारी से हवा डाली इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन दोनों स्थितियों में तुलना की गई है ना। देखो इसमें पढ़ते हैं अपन, एक परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लिया हमने, ठीक है ना। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा, निश्वास मतलब सांस फूंक के, एक्सहेल करके है ना, वायु प्रवाहित करी हमने। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में, मिल्की होने में कितना समय लगा, है ना। तो देखो जब हम हमारी सांस इसमें फूंकेंगे नली के अंदर, तो ये जल्दी दूधिया हो जाएगा, है ना, ये जल्दी मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सांस है ना, जो हम फूंकते हैं इसमें बाहर, जो सांस छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है ना। जबकि ये जो एयर है, इसमें तो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर जाके अन्य गैसों का नंबर आता है। तो इसको दूधिया होने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये तुरंत क्या कर देगी, इसको मिल्की कर देगी, है ना। तो दूसरी में क्या, एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने के पानी को लेकर वायु प्रवाहित करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है, नोट करो कि चूने पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक्सेल द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें दर्शाता है, ठीक है। इसकी फिर ये सेकंड एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, ये किसी फल का रस या चीनी का घोल ले लिया हमने, और उसमें कुछ यीस्ट यीस्ट डाल दिया। यीस्ट क्या है, बैक्टीरिया होता है ये, है ना, क्या होता है, ये जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। तो यीस्ट डाल दिया, एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले गए हम। ऐसे समझो आप, से ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है ना, इसमें किसी फल का रस भर दिया है ना, या चीनी का घोल डाल दिया, ठीक है। फिर इस पर क्या लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया, ऐसे ही एक कॉर्क लगा दिया, एक ढक्कन जैसे होता है ना, इस तरह का कॉर्क लगा दिया, और फिर इसमें छेद है इस कॉर्क के अंदर, और फिर इस छेद नली डाल दी इसके अंदर, है ना। और फिर इसको हम वही जो वो है ना, चूने के पानी वाला वो ले जाएंगे। तो है क्या, देखो इसमें कि ये जो फल का रस या चीनी का जो घोल है, इसमें जैसे ही हमने यीस्ट डाला, तो यीस्ट क्या करेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से फिर जब इसमें जो चूने का जो दूध या पानी होगा उसको क्या कर देगी, वो मिल्की कर देगी, ठीक है। तो वही सेम एक्सपेरिमेंट इसमें है। तो इन दोनों में क्या दर्शाया गया है कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए, इस कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगा दी हमने, और कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताजा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में डाल दिया हमने, है ना। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को इस और इस परिवर्तन में होने वाले समय को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हम क्या दर्शाता, किण्वन, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, इस फल के रस को या चीनी के घोल को अपघटित कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकाल देता है वो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। अब इसमें बताया गया है कि पिछले सेक्शन में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा हमने, जिन खाद्य पदार्थों का इनटेक जो है इस न्यूट्रिशनल प्रोसेस में होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं,
ठीक है ना। तो जो हमने न्यूट्रिशन लिया, पोषण लिया, कोशिका उनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगी और उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जो लाइफ प्रोसेस हैं हमारे उनको संपन्न करने में करेंगी। विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं है ना, इसे भिन्न विधियों द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। अब देखो इसमें तीन स्टेट हैं, क्या दिखाई गई है इसके अंदर, तीन स्टेज दिखाई गई हैं, जैसा कि अगला ये जो चित्र है आपका इसमें भी ये बताया गया है ना। देखो ये तीन स्टेज हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। तो ये जो ग्लूकोज होता है छह कार्बन वाला अणु होता है, जिसकी क्या सूत्र होता है, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का छह कार्बन वाला अणु हो गया। फिर इसका कोशिका द्रव्य में विघटन होता है और क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। और ये जो पाइरूवेट है, ये देखो इसमें मिसप्रिंट है आपकी बुक में, है ना, वायु का अणु नहीं आएगा इसमें, तीन कार्बन अणु है, ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है ये पाइरूवेट जो है, ठीक है ना। पाइरूवेट क्या है, तीन कार्बन का अणु है, ठीक है। तो इस पाइरूवेट का जो विखंडन है वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो। दूसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन खूब सारी मात्रा में उपस्थित हो। और तीसरा है ऑक्सीजन का अभाव, है ना, यानी बहुत लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन हो। तो तीनों ही स्थितियों में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर दर्शाई गई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा, है ना, जो अलग अलग जीव हैं इसे अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, ठीक है ना। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण जो फर्स्ट स्टेज है, ग्लूकोज एक छह कार्बन वाला अणु है, तो ये किस में बदल जाता है, तीन कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है। तो ग्लूकोज का तीन कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में क्या हो गया, विखंडन हो गया। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इसके पश्चात फिर वो तीन स्टेज आ गई। तो देखो फर्स्ट स्टेज तो क्या है, वो सभी में यानी छह कार्बन वाला जो ग्लूकोज है ये तीन कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में बदल जाता है। और ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में होता है। अब फिर वो जो पाइरूवेट है वो तीन प्रकार से विखंडित हो सकता है ना, जैसा कि अभी उसमें बताया था मैंने, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एक्सेस में बहुतायत में, और तीसरा लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसके पश्चात ये जो पाइरूवेट है ये एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है ना। जैसे जो फर्स्ट वाली है बिना ऑक्सीजन वाला, यह प्रक्रम किण्वन के समय, है ना, यीस्ट में होता है। जो फर्मेंटेशन के टाइम किस में होता है, ये यीस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंस में होता है, एयर की एब्सेंस में, इसलिए इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये थर्ड स्टेज हो गई। तीसरी वाली जो कंडीशन दिखाई है कि पाइरूवेट का विखंडन अगर ऑक्सीजन का उपयोग करके, खूब सारी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे तो फिर कहाँ होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यह प्रक्रम तीन कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। क्या मिल जाते हैं हमको, तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिल जाते हैं। और दूसरा उत्पाद क्या मिलता है, जल मिलता है, क्योंकि यह प्रक्रम, यह जो प्रोसेस है वो वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और पहला वाला क्या था, अवायवीय श्वसन, तो वो एनएरोबिक हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो पहला वाला हो गया अवायवीय वायु की अनुपस्थिति में, और दूसरा वाला क्या हो गया, वायवीय एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, है ना, ठीक है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, जो दूसरी वाली जो कंडीशन है,
है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऊर्जा का जो मोचन है ना, एनर्जी क्या है, खूब सारी मात्रा में रिलीज होती है उसके कंपैरिजन में अवायवीय श्वसन की, ठीक है। तीसरी स्थिति है जिसमें क्या है, लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन है, क्या है, लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन है ना। कभी कभी जब हमारी पेशियां, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, किसी भी तरह से माना ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही, तो क्या होगा, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। तो देखो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, देखो ये जो चित्र है आपका, फर्स्ट तो क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये किस में होता है, यीस्ट में होता है ना, और इसमें क्या बनते हैं उत्पाद, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्लस ऊर्जा, और ये दो कार्बन वाला जो अणु है ना, ये इथेनॉल के लिए है, ये किसके लिए कह रहा है, ये इथेनॉल के लिए, है ना। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, तो इसमें दो कार्बन अणु हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्थिति ये हो गई कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, फिर इसके बाद में बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसमें क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। तो इसमें वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मोचित होती है, रिलीज होती है ना। फिर तीसरी कंडीशन ये हो गई, ऑक्सीजन का अभाव, है ना, स्केयरसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। और देखो ये जो तीन कार्बन अणु किसके लिए आ रहा है, ये लैक्टिक अम्ल के लिए आ रहा है, ये है ना, किसके लिए आ रहा है, लैक्टिक अम्ल के लिए। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3, C3H6O3, तो इसमें कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन हैं, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की जो तरह से श्वसन प्रक्रिया हो सकती है। तो देखो मैं इसको वापस से समझाता हूँ आपको कि फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, जो छः कार्बन वाला अणु है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर तीन कार्बन वाले पाइरूवेट अणु में विभक्त हो जाता है, ठीक है। फिर अब पाइरूवेट का विखंडन तीन प्रकार से हो सकता है, अगर वायु की अनुपस्थिति है जैसा कि यीस्ट के केस में होता है, तो क्या बनेंगे, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा निकलेगी, है ना। अगर ऑक्सीजन की खूब सारी मात्रा उपस्थित है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी, है ना। और अगर लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से इस की क्या हो गई, समरी हो गई। तो जो ये वाली बीच वाली स्टेज है, यहाँ पाइरूवेट एक अन्य तीन कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ना। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है ना। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब आपने कभी देखा होगा कि जैसे हमारा वो पैर सो गया, कहते हैं ना पैर सो गया, है ना, या जैसे बाटा आ गया, है ना, या सुन्न पड़ गया कोई चीज़, है ना, तो वहाँ क्या है बताओ, ऑक्सीजन नहीं पहुँची उस जगह पे, है ना, तो एकदम से दर्द होने लग जाता है ना, अकड़ जाता है कोई भी हमारे शरीर का अंग जो है ना। कई बार आपने देखा होगा सो रहे हैं अपन, तो वो अपना हाथ या पैर अकड़ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, क्रैम्प पैदा हो जाते हैं, दर्द होता है एकदम, है ना, या जैसे कहते हैं ना नस पे नस चढ़ गई आपने सुना होगा नस पे नस चढ़ गई, तो ये वही चीज़ है ना। मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन क्या है, नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो वो क्रैम्प कहलाता है। तो इस तरह की जो है ना, क्यों होता है, ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है फिर उसमें पेशियों में, तो वो दर्द होता है फिर हमारे उसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये किसका किसका चित्र है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, है ना, ग्लूकोज का जो विखंडन है वो अलग अलग पथों के द्वारा इस प्रकार से हो सकता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, है ना, जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है, इसके द्वारा जो ऊर्जा निकल रही है वो तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक अणु बन जाता है इसमें, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी एक छोटा सा यहाँ समझाया गया है कि जितनी भी जो कोशिकीय प्रोसेस होते हैं, सेलुलर जो प्रोसेस होते हैं, उनमें एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है, ये ऊर्जा मुद्रा है,
ना, श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो देखो एडीपी हो गया और फिर अकार्बनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बन गया, एडीपी प्लस ये पी और जुड़ गया इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, एटीपी बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी का उपयोग हम सब चीज उनके लिए करते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है, है ना। तो ये जितने भी जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहे हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर, ये इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं, है ना। और जब ये एटीपी का जो ये है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जब विखंडित होता है ना, जब पानी में घुल के विखंडित होता है, तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा प्रति मोल निकलती है, है ना। तो जैसे अब इसमें बताया, जैसे बैटरी है, कोई बैटरी का उपयोग आप पंखा चलाने के लिए काम में कर ले सकते हो, लाइट है ना, बल्ब जलाने के काम में ले सकते हो, है ना, उससे विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य उपयोग में लाई जा सकती है। तो है तो बैटरी की ऊर्जा वो, लेकिन अलग अलग रूपों में काम में आ रही है। तो वैसे ही ये जो एटीपी है ना, ये ऊर्जा करेंसी है एक तरह से, है ना। अब इसका काम हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग प्रकार के कामों को करने में उसे उपयोग में ले लेता है। तो इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग जो है वो पेशियों के सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, तंत्रिका आवेग का संरक्षण, है ना, जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो जो आवेग जाता है, इम्पल्सेस जाते हैं आगे, है ना, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इन विभिन्न कार्यों में किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पहले प्लांट्स के बारे में बताया गया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, पहला ये वाला पार्ट जो है, इसमें प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन के, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में बताता है, है ना। तो पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है ना। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान पोर्स के द्वारा करते हैं, इसलिए उसमें देखा था हमने सेक्शन में, किसके द्वारा करते हैं, रंध्र के द्वारा, पोर्स, है ना, POUR या POREE होता है, POURS, पोर्स होता है, या POREES, इस तरह की स्पेलिंग होती है, देख लेना बेटा आप, है ना। और अंतरकोशिकीय अवकाश, है ना, जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है ना, दो सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है, वो ये चीज सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के कॉन्टैक्ट में रहें। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब ये प्लांट्स की बात हो रही है, अब प्लांट्स के पास में और कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं, है ना, कि जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर सके, वो आदान प्रदान। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो क्या है, फेफड़े हैं, मानव शरीर के अंदर लंग्स हैं, तो वहाँ पे तो लंग्स का जैसी कोई व्यवस्था है नहीं प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ किसकी होती है, डिफ्यूजन के द्वारा होती है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में की जा सकती है ना। ये जो आज इसका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो सेल्स में होता है और एटमॉस्फेयर में होता है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, और पौधे की क्या नेसेसिटी है, इस पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें बहुत मजेदार चीज बताई गई है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, हम क्या सोचते हैं कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बस सिर्फ हम इतना सा जानते हैं। जबकि होता क्या है देखो, कि पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो, है ना। लेकिन होता क्या है कि जो दिन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ेंगे, क्योंकि पौधे को खुद को भी तो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर भी दहन हो रहा है, तो दहन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सीधी सी बात है ना। लेकिन जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो खुद यूज कर लेता है उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसलिए हमको नजर नहीं आती वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि खुद ने बनाई और वहीं की वहीं उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, उस समय क्या होता है बताओ, उस समय पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यस, है ना। तभी आपने कभी सुना होगा, लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को,
है ना, तो बोले पता नहीं क्या, तो ये क्या है, उसको वैसे रूप दे दिया है ना। जबकि कारण क्या है, क्योंकि पीपल जो है ना वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रात को छोड़ता है, समझ गए ना, और दिन में बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए नॉर्मली कहते हैं भाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है रात्रि के समय, ठीक है ना। तो ये अब इसमें बता रहे हैं कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में क्या होता है, श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो CO2 निकलती है वो किसमें, फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना है, दिन के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वही मेन इवेंट होती है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास। अब देखो यहाँ तो प्लांट्स की बात हो गई, अब एनिमल्स पे आ गया ये, है ना, कि एनिमल्स के अंदर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना उसको छुटकारा पाने, उसको रिलीज करना, भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ, ऑर्गन्स डेवलप हुए। स्थलीय जंतु जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन के उपयोग की आवश्यकता होती है ना। अब जो जो स्थल में रहते हैं वो तो सीधे एयर से ले लेंगे, लेकिन जो पानी में रहते हैं जो जीव, उन्हें तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन ही लेनी पड़ेगी, है ना। देखो एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी इसमें दर्शाई गई है कि एक एक्वेरियम जो होता है, इसमें फिश एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, है ना, मछली होती है ना, पालते हैं लोग घरों में, कांच का सा वो होता है, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। तो एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए, वे अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती हैं, साथ ही आंखों के पीछे जो क्लोम छिद्र होते हैं, है ना, आंखों के पीछे क्या होते हैं, उनके क्लोम छिद्र होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। क्लोम छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिल स्लिट्स, क्लोम्स को इंग्लिश में गिल बोलते हैं, और छिद्र का मतलब स्लिट्स हो गई, और या क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद, है ना, प्रच्छद का है ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम विच कवर्स द गिल स्लिट्स, ना एक ढक्कन सा होता है ऐसे समझ लो, ठीक है ना, भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? देखो बहुत ही मजेदार चीज है ये, कि जो मछली होती है ना, उसका जो मुंह है पहले क्या खुलेगा, उसका मुंह खुलेगा, और जो उसके गिल गिल स्लिट्स हैं उस समय वो बंद रहेंगे, वो ढक्कन से बंद रहेंगे, ठीक है ना, जिससे कि जो पानी मछली ने निगला अपने पेट के अंदर, मुंह के अंदर, है ना, वो उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर ले, है ना, अलग कर ले, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन अलग कर लेगी, है ना, फिर क्या होगा, वो ढक्कन खुल जाएगा, है ना, जो गिल स्लिट्स हैं उसके ऊपर का जो प्रच्छद है, ओपरक्यूलम है, वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और वो पानी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रम से होती रहती हैं, है ना, और कुछ गैप होता है ना, मुंह के खुलने और उस ढक्कन के बंद होने में, मतलब ढक्कन के खुलने में, मुंह का खुलना यानी पहले मुंह खुलेगा, ढक्कन बंद रहेगा, ढक्कन खुल जाएगा, ठीक है ना, मुंह बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है, ठीक है ना, जिससे कि एक समय मिल जाए उसको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, है ना। अब ये गिनती करने के लिए कह रहा है ये, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब है जो जीव जल में रहते हैं, है ना, जो जीव किस में रहते हैं, जल में रहते हैं, वे जल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, तो इसलिए क्या होता है बताओ, उसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में उसके मुंह का खुलना, है ना, और उसका जो क्लोम छिद्र है ना, उनका खुलना बजाय मनुष्य के सांस लेने के क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो वो जल्दी जल्दी मछली जो है ना, वो जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलेगी बंद, और बंद करेगी, मुंह खोलेगी बंद करेगी, समझ गए ना बात। तो इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर, है ना, जो रेस्पिरेशन रेट होती है, वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, तेज होती है, द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, उसका जो ब्लड है वो पानी में से डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको वो ले लेता है।
स्थलीय जीव जो हैं, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ये ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। जैसे हम देखेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनमें कूपिकाएँ होती हैं, है ना, एल्वेलाई होती है, ठीक है ना, गुब्बारे नुमा छोटी छोटी संरचनाएँ होती हैं, जिससे कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना, जो उसका सरफेस एरिया बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है इस सतह के आर पार होता है, वो जो सतह होती है ना, उसके आर पार होता है। अतः ही है सतह बहुत पतली और मुलायम होती है ना, बहुत ही पतली, है ना, फाइन और डेलिकेट होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अब ये बहुत फाइन और डेलिकेट है, इसलिए ये किसी ऑर्गन के रूप में कहाँ होगी, अंदर होगी, बॉडी के अंदर अवस्थित होगी, स्थित होगी ये। और उस क्षेत्र, इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, इसीलिए ट्यूब होती है हमारे, ना, श्वास नली जो होती है वो होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है, उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं मनुष्य के ऊपर, ठीक है ना, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में ये जो चित्र दिखा रखा है 6.9, है ना, फिगर 6.9, वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। तो ये जो आदमी की जो दो दो नथने होते हैं ना, नॉस्ट्रेल्स, नासा द्वार, नॉस्ट्रेल्स बोलते हैं इसको, NOSTRALS, नॉस्ट्रेल्स से जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल, है ना, फाइन हेयर्स होते हैं, उनके द्वारा निस्पंदित हो जाती है। जो हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं, वो उसको हवा को छानने का कार्य करते हैं, फिल्टर करने का कार्य करते हैं, निस्पंदित करते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से रहित हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, है ना, ए लेयर ऑफ म्यूकस। आपने देखा होगा हमारी अंदर की जो नाक है वो चिपचिपी होती है ना, तो जैसे कोई जीव होता है, चिपचिपे पदार्थ पर चिपकना आसान होता है कि नहीं होता है, तो वो चिपक जाता है उसके सतह से। तो ये श्लेष्मा होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जो इस प्रोसेस में, है ना, उसकी शुद्धिकरण के प्रोसेस में क्या होती है, सहायक होती है। यहाँ से हवा, वायु जो है ये कंठ द्वारा, है ना, हमारा जो थ्रोट है उसके द्वारा फेफड़ों में प्रवाहित हो जाती है, फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाती है, लंग्स में प्रवाहित हो जाती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, है ना, जो हमारा थ्रोट है इसमें, देखो ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये रिंग्स ही नजर आ रही है, देखो ये ऐसे रिंग्स ही नजर आ रही है, एक तरह से मानो कि ये जैसे नली है कोई, है ना, और इसमें यहाँ अंदर छल्ले लगे हुए हैं, है ना, हार्ड छल्ले हैं, ये कठोर हैं। तो ये छल्ले क्या होगा बताओ, अब देखो ये जो नली है ये किसकी बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई है। अगर माना ये छल्ले नहीं होते तो इस, ये जो नली है इसके चिपकने के चांसेस हो जाते कि नहीं हो जाते, ये दोनों जो सिरे हैं इसके आपस में पास आ जाते, ये चिप, तो ये इसको क्या रखती है, दूर रखती है, खुला रखते हैं, ये जो उपास्थि कार्टिलेज के ये जो छल्ले होते हैं, वलय, रिंग्स जो होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के वलय, है ना। उपास्थि का मतलब होता है, एक तो होती है अस्थि, है ना, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी, और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, है ना, जो हड्डी जितनी कठोर तो नहीं होती लेकिन ठीक ठीक होती है ना, जैसे हमारे कान है, हमारा जो कान है ना, अब इसमें देखो कान के अंदर कोई हड्डी नहीं होती लेकिन है तो टाइट ना, पकड़ के देखो आप खुद का कान, है ना, कैसा है, ये टाइट है, इतना मुलायम नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये क्या है, कार्टिलेज है ना, उपास्थि है ये। तो कंठ के अंदर उपास्थि की रिंग्स होती हैं, है ना, यह सुनिश्चित करती हैं ये रिंग्स कि वायु मार्ग निपतित ना हो। देखो क्या शुद्ध हिंदी यूज करिए भाई ने, निपतित का मतलब है वो कोलैप्स नहीं हो जाए, चिपक नहीं जाए, है ना, बंद नहीं हो जाए, घुट नहीं जाए वो, समझ गए बात, यस। देखो इस चित्र में अपन देख लेते हैं, ये क्या हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, यहाँ से वायु में प्रवेश किया, ये मुख गुहा हो गई, है ना, और फिर ये ग्रसनी हो गई, ये कंठ हो गया, ये हमारी श्वास नली हो गई, और ये उपास्थि के वलय हो गए, कार्टिलेज की रिंग्स हो गई, ठीक है ना, और फिर
जहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, ये क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। तो देखो ये जो दिखा रखे ना इधर की तरफ इधर, तो ये श्वसनी हो गई है ना। फिर जब ये वापस और डिवाइड होती है तो ये श्वसनिका हो जाती है। क्या बन जाती है? श्वसनी। फिर किस में डिवाइड होती है? श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। और फिर लास्ट में देखो ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये कहलाती है कूपिका कोश, एल्वेओलाई। क्या बोलते हैं इसको? कूपिका कोशों को एल्वेओलाई, ALVEOLI, ALVEOLI, एल्वेओलाई, कूपिका। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है? हमारा डायफ्राम है। तो आपने देखा होगा ना हम जब सांस लेते हैं तो फूलता है हमारा डायफ्राम। क्या होता है? फूलता है फिर सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, इस तरह से है ना। ये पसलियां, अब पसलियां क्यों है? एक तरह से ये फ्रेम हो गया इसका, कवर हो गया, क्योंकि ये जो फेफड़े हैं ये बहुत मुलायम है, डेलिकेट हैं, है ना। तो ये आवरण प्रदान कर दिया, नहीं कर दिया इन पसलियों ने, ठीक है। तो ये दो फेफड़े हो गए दोनों, ठीक है। तो ये इस चित्र में ये दर्शाया गया है। अब हम आगे चलते हैं। लंग्स के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में, तो देखा था ना अपन ने सबसे पहले क्या था, हमारी श्वास नली थी, है ना, श्वास नली, फिर क्या हो गई? श्वसनी, ठीक है ना, श्वसनियों में डिवाइड हो गई, और श्वसनी फिर किस में? श्वसनिकाओं में डिवाइड हो गई, और श्वसनिका फिर लास्ट में जाके टर्मिनेट कहाँ होती है? कूपिकाओं पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाती है। अंतःकृत मतलब टर्मिनेट, गुब्बारे जैसी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, जिसे कूपिका कहते हैं, एल्वेओलाई। देखो ये चित्र दिखा रखा है आपके, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे है ना, ये श्वसन श्वसन श्वसनिकाएँ हैं ये वाली, और ये जो गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही हैं ये क्या है? कूपिकाएँ हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सांस ली हमने वो इन छोटी छोटी गुब्बारे जैसी चीज़ों में जाके भर जाती है, और ये जो है ये बहुत पतली लेयर होती है कोशिकाओं की, और छिद्रयुक्त होती है ना। तो इसमें से जो ऑक्सीजन गई, और ये जो कूपिकाएँ इनमें क्या है, जाल होता है उनका, कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, उसमें ब्लड बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो रक्त इसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है ना। और फिर जैसे ही वो बॉडी के अंदर से समेट के लाया कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, तुरंत यहाँ पे यानी ब्लड क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन ले लेगा, और जो वापस से लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड को वो तुरंत इसको दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर सांस के रूप में कहाँ निकाल देते हैं? अपन बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है ना। हमने सांस ली, देखो ऐसे समझो, हमने सांस ली है ना, इस मार्ग से सांस कहाँ गई? फेफड़ों में गई है ना, और इन फेफड़ों में श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका, श्वसनिका के बाद कहाँ पहुँच गई? इन कूपिकाओं में पहुँच गई है ना। अब ये कूपिकाओं, ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, इन मैंने बताया ना, इनके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है ना, जिनमें रक्त बह रहा है ना। तो जैसे ही इसमें ऑक्सीजन हमने अंदर ली, ऑक्सीजन का प्रेशर बना है ना, तो वो जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन को तो क्या कर देगा? ले लेगा, ठीक है ना। अब इसी दौरान क्या हुआ, दूसरी जो वो है क्या नाम, ब्लड कैपिलरीज हैं, तब तक वो उस ब्लड को लेके आ गई जिसमें क्या है, कोशिकाओं से लेके आ गई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो फिर उसी थोड़ी देर बाद ही, उसके जस्ट बाद, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें इन सब कोशिकाओं के अंदर दे देती हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वापस इसी जिस मार्ग से ऑक्सीजन आई थी उसी मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है ना। तो नाक के द्वारा जो है ना ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया गया है। इसमें फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो मार्ग है ये छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में टर्मिनेट हो जाता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में टर्मिनेट हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं, एल्वेओलाई कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है ये, जिससे गैसों का एक्सचेंज हो सके, है ना। कूपिकाओं की जो भित्ति है, जो वॉल है, में रुधिर वाहिकाओं का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, मैंने बताया ना ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है इन कूपिकाओं में। जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है उस समय देखते हैं उसकी पसलियां, छोटे बच्चे की पसली, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो फिर तो इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन छोटे बच्चे में पसलियों जो है ना मूवमेंट, जब वो सांस लेता तो ऊपर नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई देता
है ना, यही कहना कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है, डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है, वायु को सक कर लिया जाता है और विस्तृत कूपिकाओं में भर जाती है वो जो एयर है वो, है ना। अब जो बॉडी के अंदर जो शेष रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ना। तो देखो ये प्रोसेस बड़ा इंटरलिंक्ड है कि इधर ऑक्सीजन आई कूपिकाओं में पहुंची, कूपिकाओं के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज का जाल है वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। उतनी ही देर में पूरी शरीर के अंदर कोशिकाओं से जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। तो ये सब किस्तों में होता रहता है, ठीक है ना, और वो तुरंत उसको कार्बन डाइऑक्साइड को उसे दे देता है, ठीक है ना। तो शेष रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। अब इसमें बताया कि कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। देखो ये मोटा जो जो मैकेनिज्म थी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना। इस श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, ये थोड़ा लैंग्वेज ऐसी ये परेशान करने, तो अपने आप अपनी भाषा में लिख देना, है ना। देखो क्या अजीब सा लिख रखा है ये, रुधिर शेष शरीर से, हाँ ये तो ठीक था, ये देखो कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से, है ना, ऐसा लग रहा है घूम फिर के वहीं आगे से वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक, तो बस इतना सा समझ में आ रहा है कि वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी, तो मतलब मैंने आपको इसका समझा दिया साधारण शब्दों में, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, जो हमारा रेस्पिरेशन साइकिल है, उस समय लंग्स जो हैं सद हमेशा उनमें वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, है ना, कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे फेफड़े कभी खाली नहीं होते, ठीक है ना, यानी थोड़ी मात्रा में उसमें ऑक्सीजन रहेगी, थोड़ी मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी, है ना, जैसे कि ये जो प्रोसीजर है ये पूरा चलता रहता है, साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, ठीक है ना। तो एक रेजिडुअल वॉल्यूम वो जो लंग्स हैं हमारे फेफड़े वो रखते हैं। जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। देखो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन के माध्यम से ही ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना होता तो ये बहुत डिफिकल्ट होता, है ना, कि सोचो अगर ब्लड नहीं होता, है ना, और फेफड़ों से डायरेक्ट विसरण के द्वारा ऑक्सीजन हमारे अंगूठे तक पहुंचनी होती, है ना, अभी तो हमारी बॉडी में कौन ले जाता है ऑक्सीजन को, ब्लड लेके जाता है। अगर ब्लड नहीं होता तो 3 वर्ष लग जाते ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से कहाँ तक पहुंचने में, अंगूठों तक पहुंचने में, खाली अगर डिफ्यूजन प्रोसेस पे ही हम आधारित होते, जबकि ऐसा नहीं है ना। जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजन को क्या करके, है ना, उसको ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, जो हीमोग्लोबिन है उस पे ऑक्सीजन के कण चिपक के जाते हैं फिर, ठीक है ना, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक के जाते हैं, ठीक है। तो यही समझाया गया इसमें कि अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। लंग्स की वायु से श्वसन वर्णक, है ना, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, उन टिश्यूज तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, तो मनुष्य के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, बहुत हाई एफिनिटी होती है ना, ऑक्सीजन तुरंत भग के चिपकती है इससे, दौड़ के चिपक जाती है, इतनी जैसे चुंबक अट्रैक्ट करती है ना लोहे को, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं, है ना, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, अब देखो एक होता है सेल, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं कुछ बच्चे इसको, है ना, जो कि कुछ क्या बोलते, असल में क्या है ये, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, सेल की जगह क्या है, कॉर्पसल्स,
कोशिकाओं की जगह क्या है, कणिका। ये ना लाल रुधिर कोशिका नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना, इसलिए इनको कणिका बोल देते हैं, उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो जल में अधिक विलेय है, और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में, जो प्लाज्मा होता है उसमें घुल के ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। देखो इसमें यही चीज बताया गया है कि जो कूपिकाओं की सतह को अगर फैला दिया जाए, जो हमारी ये जो छोटी छोटी जो एल्वियोलाई हैं इनकी सबको पूरी फैला दिया जाए, तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक लेगी। कितना, 80 वर्ग मीटर, बहुत हो गया कि नहीं हो गया। 80 वर्ग मीटर का मतलब कितना हो गया, लगभग 9 मीटर बाई 9 मीटर का एरिया हो गया, 9 मीटर इधर लंबा और 9 मीटर चौड़ी एक चादर बन सकती है, सोचो है ना। 9 मीटर कितना होता है, 9 × 3 = 27, यानी करीब 30 फुट बाई 30 फुट की एक चादर बन सकती है, इतना बड़ा एरिया है इन कूपिकाओं का, अगर इनको सबको फैला दिया जाए तो, ठीक है ना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि हमारी बॉडी का क्षेत्रफल तो क्या है, बहुत कम है ना। जो मनुष्य है वो, अगर इसको मैं ऐसा मान लूँ एक मोटे मोटे तौर पर, है ना, तो इसकी लंबाई तो कितनी है, 1.5 मीटर है मान लो, है ना, और चौड़ाई तो कितनी है, मुश्किल से पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 मीटर मान लो, 3 मीटर भी नहीं होगी, 30 सेंटीमीटर है ना, फिर भी चलो मान लो। तो अब इसको 1.5 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 3 = 45, ठीक है, और 2 अंक छोड़, तो 0.45, और वो 0.45 स्क्वायर मीटर हुआ, जबकि उसका कितना है, 9 है ना, तो 9 में 0.45 का अगर भाग दोगे तो ये 00 हो गया, और ये 2 बार कट गया, 20 गुना है ना। यानी जो हमारी बॉडी का सरफेस एरिया है उसका 20 गुना सरफेस एरिया किसका है, जो कूपिकाओं का है, जो एल्वियोलाई हैं, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स थी ना, गुब्बारे नुमा जो छोटी छोटी है ना संरचना थी उनका, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा विस्तृत सतह उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि गैसों का विनिमय बहुत एफिशिएंटली हो सकता है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन के भरोसे ही ऑक्सीजन पहुंचानी होती हमारे शरीर में, तो पैर से अंगूठे तक पहुंचाने में 3 वर्ष का समय लग जाता है ना। तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है ना। अब देखो बच्चों, इसमें आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं आपकी बुक में, है ना, देखो ये समझो आप इनको ना, ये समझने के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको घर वालों को भी आप बताएं अपनों को। तंबाकू के सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीव है ना, ये जो अपन टोबैको जो यूज करते हैं, इससे देखो जीव, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है, ये है ना, हमारी जीव को, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को ये अफेक्ट करता है। धुआं रहित तंबाकू भी, आजकल वो होता है ना ई सिगरेट, हर गवर्नमेंट ने बैन कर दी, जिसमें धुआं नहीं निकलता, पता नहीं भगवान जाने कैसी होती है वो, है ना, ई सिगरेट होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं, है ना। धुआं रहित तंबाकू भी, अच्छा ये धुआं रहित तंबाकू का मतलब तो शायद मुझे लग रहा है वो होगा चबाने वाला, जो गुटखा खाते हैं ना, जर्दा जो खाते हैं, शायद वो होगा। ये भी दिल के दौरे, या वो भी हो सकती है, ई सिगरेट भी मान सकते हो, दोनों चीज़ मान लो आप, है ना, जो जर्दा चबाते हैं वो और जो ई सिगरेट है वो। ये दिल के दौरे, स्ट्रोक, फेफड़े संबंधी बीमारियां और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम वाला फैक्टर है ये, है ना। तो ये तंबाकू जो है ये बहुत बहुत हानिकारक होती है। भारत में गुटखा सेवन से मुंह के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नो कहें, हम हेल्दी रहें और से नो टू टोबैको प्रोडक्ट्स, है ना। तो देखो इसमें एक चीज और इधर दिखा रखी है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत मौत के सामान्य कारणों में, आजकल ये जो लंग कैंसर है ये बहुत कॉमन डिजीज हो गई डेथ की। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है। अब ये बता रहा है कि धूम्रपान का नुकसान क्या है ना, कि जो हमारी सांस नली है इसमें के जो ऊपरी हिस्सा है इसमें छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। लेकिन जब हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा खाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, ये जो सिलिया है ये नष्ट हो जाती है ना। तो कितना बड़ा जो है ना कैंसर
कैंसर का कारण ये बनती है। तो धूम्रपान करने से ये बालों जैसी जो संरचनाएं हैं, सीलिया जो हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन, केमिकल्स जो होते हैं, वो फेफड़ों में सीधे प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, इन्फेक्शन, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं, है ना। तो बेटा देखो, ये जो धूम्रपान है, ये हम खुद नहीं करें और दूसरों को भी न करने के लिए हम प्रेरित करें, है ना। तो अब हम इसके बाद में आपका इसका जो थर्ड पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, वहन, वो पढ़ेंगे।